थक गए? मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है, ये लो मेघदूत मधुशून्य। मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। आसिफ कपाड़िया को इरफान का सबसे बड़ा जो एसेट था उनकी आंखें नजर आईं, और इतने वाइड स्क्रीन में मैंने पहली बार जब देखी थी न्यूयॉर्क में, तो पूरे वाइड स्क्रीन में एंड हिज आईज आर राइट देयर। दैट द रियल ट्रेजेडी इन लाइफ इज दैट यू नो द टाइगर जस्ट लेफ्ट विदाउट सेइंग गुडबाय टू हिम। इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। एंड एंगली टोल्ड मी ही डिडंट आस्क इरफान टू क्राई, इरफान जस्ट स्टार्टेड टू क्राई। सो यू सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अब पता नहीं अभी ये रूल है कि नहीं, तब ये रूल था कि जब अप्लाई कोई भी अप्लाई करता था they had to list 10 plays they had acted in. Irfan had not acted in 10 plays. और उन्होंने झूठ बोल के 10 plays का नाम डाल दिए, और नेशनल स्कूल ड्रामा ने देखा उसको और you know, they trusted him or maybe they saw such a star actor in him. तो लाइटिंग वगैरह सेटिंग करने में बड़ी देर लगती है, एंड सडनली विशाल भारद्वाज ने देखा कि इरफान एक जगह बैठ के कंप्लीटली क्वाइट, ही वॉज ऑलमोस्ट मेडिटेटिंग, ही हैड बिकम दैट रूदार कैरेक्टर। And Vishal realized that that's where he's going to sit. So, sare actors ko uske aas paas bithaya ke yahi ye scene shoot karenge. So, she said ki haan, mujhe ek aisa moment do ki aankhon mein aansu ho, par niche tapakne nahi chahiye. If you see that moment, and Irfan's character, you know, he's in the driver's seat, driving, and he's turned towards Gogol, Kalpen, and he's talking, and his eyes start to glisten. Irfan was able to bring tears in his eyes, but controlled them to the extent that the tears don't go down his cheek. I mean, how does a man do that? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का प्रोग्राम किताब वाला है। किताब वाला में आज की किताब है इरफान खान, द मैन, द ड्रीमर, द स्टार। इसे लिखा है असीम छाबड़ा ने, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। असीम छाबड़ा, थैंक यू सो मच इस किताब को लिखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच किताब वाला में आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू, रियली आई एम ऑनर्ड। इससे पहले कि मैं किताब के बारे में बात करना शुरू करूं, आई विल डू अ क्विक इंट्रो ऑफ मिस्टर असीम छाबड़ा। एज अ बायोग्राफर आई एम हिज फैन, दो वन शुड नेवर एडमिट दिस इन द ऑफ द इंटरव्यू। असीम छाबड़ा ने एक शशि कपूर पर कमाल की किताब लिखी है, आपको खोज के पढ़नी चाहिए, और दूसरी किताब प्रियंका चोपड़ा पे है, और तीसरी अब ये आई है। ये किताब रूपा पब्लिकेशंस ने छापी है, ईबुक भी अवेलेबल है, और हार्ड बाउंड की कीमत 500 रुपए है। वर्थ व्हाई एम आई एंडोर्सिंग दिस बुक, यू विल गेट टू नो व्हेन वी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद असीम छाबड़ा। ही इज प्राइमरली न्यूयॉर्क बेस्ड, और बहुत सारे ये फिल्म फेस्टिवल्स को क्यूरेट करते हैं, और बहुत सारे रेप्यूटेड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में लगातार फिल्मों के बारे में लिखते रहते हैं, और अब तो बायोग्राफर भी हो गए हैं। और इस किताब का मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में भी एक बार जिक्र किया था, अगर आपने वो इंस्टाग्राम लाइव नहीं देखा है देन गो एंड चेक। वी हैव ललन टॉप हैज स्टार्टेड समथिंग न्यू कॉल्ड लटक। ललन टॉप कहानियां, किस्से, कविताएं, कॉमिक एक्ट, और उस पर मेरा एक डेली ब्लॉग होता है ग्रामीण के नाम से, जिसमें इस किताब का जिक्र आया। और किताब में बहुत सारे अद्भुत किस्से हैं जो मेरे इस अकीदे को बुलंद करते हैं कि इरफान न सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे बल्कि एक ईमानदार किस्म के इंसान थे। वरना एयरलिफ्ट जैसी फिल्म को छोड़ना या उस द्वंद्व से पार पाना कि मार्शियन करूं कि पीकू करूं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आएंगी। सबसे पहला सवाल असीम छाबड़ा साहब आपसे ये है कि हाउ डू यू लॉक योर सब्जेक्ट, यार अब इस पे करता हूं। मतलब इनफैक्ट आप अगर तीनों ही किताबों के बारे में बता सके, शशि कपूर आपकी पहली बायोग्राफी थी, प्रियंका दूसरी, और अब ये तीसरी, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि आप इस कैरेक्टर से करना है? सो सच्चाई ये है, और मेरे पब्लिशर सुन रहे होंगे तो ठीक है, उनके साथ बहुत नेगोशिएशन करनी पड़ती है, बैक एंड फोर्थ, वो सजेशन देते हैं, मैं सजेशन देता हूँ। पहला जो था शशि कपूर का, मुझे अप्रोच किया था एक एडिटर ने, वो उनके साथ नहीं काम कर रही है, तो She said के किताब लिखोगे हमारे लिए। I said हाँ, I would love to। मैंने किताब कभी लिखी नहीं थी पहले, और तब मैं 2014 में approach किया था, मैं तब न्यूयॉर्क में था।
काफी देर उन्होंने सजेशंस करी, कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैंने कहा नहीं इस पर नहीं लिख सकता, इस पर नहीं लिख सकता। ये हमेशा मेरा रहता है, बहुत कम लोगों के ऊपर लिखना चाहता हूं मैं जी। तो फिर एक्चुअली असल में मेरे दोस्त हैं यासर उस्मान और एक और अच्छे बहुत राइटर हैं गौतम चिंतामणि, उन दोनों ने राजेश खन्ना पर किताबें लिखी जी, और बढ़िया किताबें लिखी हैं। हाँ, और वो बिल्कुल एक टाइम पे निकली दोनों के दोनों, और वो राजेश खन्ना की डेथ के बाद आई हैं। तो उससे थोड़ा ख्याल आया, मैंने कहा कि किस पर किताब नहीं लिखी गई है, एंड इमीडिएटली सडनली ख्याल आया थॉट ऑफ शशि कपूर। अब शशि कपूर का मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ सिंस इवन बिफोर आई बिकेम अ टीनेजर इन द मिड 60s, कि मैंने शशि कपूर की किताब में लिखा था कि मैं 1965 में मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत छोटा था, मेरे पेरेंट्स मुझे कश्मीर ले गए थे, पहली बार मैं कश्मीर गया था, और 64 होगा जब जब फूल खिले की शूटिंग हो रही थी, एंड मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि शशि कपूर और वो नंदा मेरे कहीं आस पास शिकारे में है, जबकि मेरी मदर ने मुझे फिल्म देखने नहीं दी थी, वो मैंने बहुत देर बाद देखी। बट ऑल्सो so I felt, and also Shashi Kapoor's book was very important for me because I had lived in the US for almost more than 3 decades, and main bahut der se ye track kar raha tha Indian actors jo America aate hain, west mein aate hain, and also about how Bollywood shows America, how the west looks at India, ye ideas main bahut der se cover kar raha tha as a journalist also, especially with Shashi Kapoor। उन्होंने मर्चेंट आइवरी के साथ बहुत, इस्माइल मर्चेंट जेम्स आइवरी के साथ बहुत सारी फिल्में करी, तो मेरे पास, मैंने इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी को इतनी बार इंटरव्यू किया था, मधु जाफरी को कर चुका था, किताबें उनकी इतनी सारी हैं, उनकी बायोग्राफीज, उनकी ऑटोबायोग्राफी कलेक्ट कर करके मैं बैठा हुआ था, तो ये सारा मटीरियल मेरे पास पड़ा था, ये कभी ख्याल नहीं आया कि किताब लिखूंगा। यू नो बिमल रॉयज डॉटर शी रोट रिंकी भट्टाचार्य, she wrote a edited version of a book on Bimal Roy. Okay. उसमे शशि कपूर ने दो essays लिखे हैं। वो मेरे पास किताब इतनी देर से पड़ी थी, मैंने कभी खोली भी नहीं थी। Suddenly देखा दो शशि कपूर के essays हैं about how शशि कपूर got his early break in a film called प्रेम पत्र with Bimal Roy. Okay. So I said this material is ready. I need to talk about this really. जब प्रियंका पर किताब लिखी तो फिर भी यही डिस्कशन हुआ किस पर लिखो किस पर लिखो। प्रियंका पर मैंने इसीलिए अग्री किया था कि बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एज अ जर्नलिस्ट आई वाज ट्रैकिंग प्रियंका की स्ट्रैटेजी क्या थी और उसके जो मैनेजर्स वगैरह थे उसको कैसे उसको, शी वाज ऑलरेडी अ स्टार इन इंडिया बट हाउ दे वर मेकिंग हर अ स्टार इन अमेरिका, आई वाज फाइंडिंग दैट फैसिनेटिंग, और मुझे लग रहा था कि ये जो इशू है इट हैज नॉट बीन कवर्ड। और फिर लिखने लगा किताब तो मुझे और भी फैसेट्स, यू नो बरेली से लड़की आई है, हाउ डज शी बिकम मिस इंडिया, हाउ डज शी बिकम मिस वर्ल्ड, तो इट वाज अ रियल प्लेजर टू टॉक टू उस टाइम में जो फेमिना मिस इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के जो लोग थे, की लोग थे, उनसे उनको सब याद, दे रिमेंबर प्रियंका वेरी वेल। तो इनफैक्ट वो बुक का बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है जिस उस प्रेजेंट की जर्नी को जब आप डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, तो कैसे उनको उनके एक्सेंट, प्रियंका अभी अमेरिका से होके आई थी टीनेजर, so she had an American accent, so she was told specifically cut down the American accent, talk like an Indian if you're going to go to for Miss World, because they want to listen to an Indian girl, they don't want to listen to a girl from America. Anyway, so that's what sold me. I thought that, then I of course I covered her entire career also, just ki sari Bollywood films thi. Irfan ka jab mujhe suggestion aaya to this was early 2018, and we were going back and forth negotiating, jab tak maine contract sign kiya tab tak Irfan ne announce kar diya tha ki wo bimar hain aur wo kahin chale gaye the, we didn't know kahan gaye hain, baad mein pata chala ki London gaye the treatment ke liye. So honestly I agreed to write the book before he said he had cancer, I signed the contract after, और फिर मुझे ये लगा कि भाई बात, मैंने शशि कपूर से बात तो नहीं कर सका था बिकॉज ही वॉज वेरी अनवेल, उनके उनकी बेटी संजना से और कुणाल से बात करी थी, प्रियंका से बात करना चाहता था, बड़े मैं काफी डिस्कशंस करी उनके लॉयर्स के साथ, फिर पता चला कि प्रियंका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ टू राइट हर ओन बुक एंड हर ओन ऑटोबायोग्राफी, एंड शी वॉज फॉरबिडन टू टॉक टू अनदर जर्नलिस्ट, उसकी किताब तो अभी तक आई नहीं है, मेरी तो खत्म आके चली गई। इरफान मुझे बहुत, आई वॉज वेरी कीन टू टॉक टू हिम, एंड उनकी मैनेजर थी अब नाउ शी वर्क्स विशाल भारद्वाज, मनप्रीत, तो मैंने मनप्रीत को लिखा बिकॉज एंड इरफान न्यू मी, किताब में मैं फर्स्ट पैराग्राफ में लिखता हूँ कि हाउ इरफान सडनली कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू
when I was in New York. क्योंकि मैंने नेम से एक देखी थी और उन्होंने देखी नहीं थी. तो मैंने इरफान को कॉन्टैक्ट ईमेल लिखी थ्रू मनप्रीत, डिस्क्राइब करा मैं क्या करना चाहता हूँ. एंड देन मनप्रीत रोट बैक टू मी कि इरफान आपसे बात करेंगे. एंड देन सडनली एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया, असीम रेडी टू टॉक. तो आई वॉज लिटिल नर्वस के यू नो बीमार है, कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, हाउ डू वन टॉक टू अ कैंसर पेशेंट रियली. बट यू नो कैंसर पेशेंट्स का भी होता है कि देयर सम डेज गुड, देयर सम डेज बैड, जब ट्रीटमेंट यू नो बीच बीच में. So he sounded perfectly fine और काफी देर बात करते रहे, 15-20 मिनट तक. He wanted to know फिर से कि क्या प्लान कर रहा हूँ. मैंने बताया कि तिग्मांशु दुलिया से बात कर चुका था मैं, मेघना गुलजार को इंटरव्यू कर चुका था और किन किन लोगों को मैं इंटरव्यू करने अप्रोच कर रहा था. एंड ही वॉज सो हेल्पफुल, ही गेव मी नेम्स ऑफ आई थिंक 3 or 4 पीपल. ही से इनसे बात करो. एक उनके जयपुर के टाइम के बिफोर ही केम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनके कॉलेज फ्रेंड थे वरुण गौतम. मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. और अगर इरफान से उनका फोन नंबर ना मिलता तो मुझे मालूम नहीं था कैसे उनको इंटरव्यू करूंगा. वो बॉम्बे में रहते हैं, उनके साथ मैं बॉम्बे में बैठ के 1 घंटा इंटरव्यू किया. लवली स्टोरीज अबाउट यू नो देम बोथ वांटिंग टू बिकम एक्टर्स एंड थिएटर डेज की स्टोरीज जो है उनसे सुनाई दी. मैं पता चले इरफान ने मुझे कुछ आर्टिकल्स सजेस्ट किए कि ये इंटरव्यू पढ़ो, ये आर्टिकल पढ़ो, ये अच्छा लिखा है मेरे ऊपर. आई वॉज रियली टच बिकॉज उससे पहले Irfan apparently was, to quote Manpreet, he was dead against anyone writing a book on him. जब publishers उनको approach करते कि अपनी autobiography लिखो तो वो लिखना नहीं चाहते थे. But I think he was going through a different phase in his life. एक तरह से वो death का idea आ गया था, you know. जो Vipin Sharma ने describe किया है कि room poverty and that couplet you reported. तो Vipin Sharma और Varun Gautam को मैं एक वीकेंड के लिए गया था बॉम्बे, दोनों को एक वीकेंड मिला और दोनों को मैं 1.5 घंटा इंटरव्यू करता रहा और दोनों वाइल टॉकिंग टू मी स्टार्टेड टू क्राई. आई वाज सो मूव्ड कि दिस ग्रोन अप मेन लव्ड इरफान. दिस इज बैक इन 2018 जबकि लग रहा था कि इरफान ठीक हो जाएगा. तो या बट इरफान कुडंट गिव मी एन इंटरव्यू हिमसेल्फ बिकॉज ही सेड कि अभी आई एम नॉट इन द राइट प्लेस. उसके बाद फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018 मैंने कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, फिर नहीं हो सका. असीम साहब, इससे पहले कि मैं किताब में आपने जिन चीजों के बारे में लिखा है उनसे जुड़े सवाल पूछना शुरू करूं, हाउ डिफिकल्ट इट इज एज अ बायोग्राफर व्हेन यू रियली एडमायर अ पर्सन एंड देन ट्राइंग टू स्टे ऑब्जेक्टिव, दैट कांस्टेंट स्ट्रगल, इज इट जस्ट माय हाइपोथेसिस और यू फेस दिस? नो, इट कैन बी डिफिकल्ट. आई मीन शशि कपूर, it was all admiration. I mean, it probably comes across in my book also because there were things I learned about Shashi Kapoor. With Priyanka, I started admiring her more and more as I was writing the book. I was amazed by how hard she works. I was amazed by, you know, I still have issues with Priyanka's performances and all. Irfan ka ye tha ke, it was difficult. I mean, you know, there are moments I am a little bit critical also in the book. You know, for instance, his English is not, you can tell he's not that, he's fluent in English. Aisa nahi ki unko bol nahi sakte the. But you could tell ke that was not his primary language. And so when he acts in Life of Pi, aur wo end mein jab wo kehte hain, in fact, Nasiruddin Shah ne to mujhe keh diya, usko angrezi nahi aati, mujhe bilkul pasand nahi aayi film. Nasiruddin Shah to saaf bol dete hain. Maine unko bata bhi diya, Nasir ne keh diya mujhe. But Irfan's performance is so moving in that moment and he starts to cry. And then I spoke to Ang Lee also. Unhone bhi bataya. Ang Lee ne mujhe kaha ki Irfan mumble karta hai kahi bari. To wo maine likh diya. Matlab kahi bari wo words clearly nahi aate. But Ang Lee ne ye bhi keh diya ki Robert De Niro bhi mumble karta hai. So maine wo bhi likh diya. So while I was a tad bit critical, but overall I was looking beyond just Irfan Khan aur unke accent. I was looking at the actor each time. And aapne jaise shuru mein kaha ke, matlab, he was such a fine gentleman. And the love and the passion he had for his craft and the acting was beyond anybody can imagine. Jaise Christopher Nolan ke saath film, you know, na keh do, Ridley Scott ke saath Martians na keh do, Piku karne ke liye, Lunchbox bhi dekh karne ke liye, he had to say no to other Christopher Nolan. That is remarkable. He could have gotten so much more money from Ridley Scott and Christopher Nolan. But hey, you know, Lunchbox and Piku are two of his finest films.
और राइट डिसीजन लिया, पर ये था कि ये करियर चॉइस जो इरफान ने करी है, बहुत कमाल का आदमी था, बहुत कमाल का आदमी था। So you have talked about his childhood days and everything, जिसके बारे में और भी काफी बात हुई है। एक जगह जिक्र आता है कि मैं बहुत शाय था इसलिए मैं एक्टर बन गया। How do you look at that? एक personal trait and then you choose a profession. And वो कैसे होता है वो navigation? नहीं वो खैर उन्होंने मतलब जब कहा तो आई थिंक इट वाज अ रेवलेशन टू हिम आल्सो। आई डोंट थिंक एट द एज ऑफ 17 18 19 ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर बिकॉज़ ही वाज शाय, बट व्हेन ही लुक्स बैक एट हिज लाइफ उनको भी रियलाइज किया होगा कि दिस इज द वे ही वाज एबल टू ओवरकम हिज शायनेस। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली थिएटर में, जब आप लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपके सामने 200-300 लोग बैठे हैं, यू हैव टू शेड ऑल योर फियर्स। आई हैव एक्टेड इन प्लेस, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, you have to shed all your fears and you have to speak to this audience, and that is one of the best trainings you can get to overcome your shyness. Par baar baar ye issue ko logon ne kaha ki Irfan was very shy, you know, Sutapa ke maine interviews padhe, Meeta Vishesh, Sutapa, NSD mein, haan, Meeta Vishesh ne bahut clearly bataya ki bada shy tha. You know, Vipin Sharma और तिग्मांशु ने भी कहा कि बस अपने कमरे में बैठा रहता था, नेशनल स्कूल ड्रामा में बीडी पीता रहता था, स्मोक करता था, बट उसको you know, that was, over, so, shyness किस लिए होती है? एक तो क्या people are, you know, this is a natural trait, some people are born shy, some people are born much more extrovert, लेकिन इरफान में ये भी था कि because although he had come from Jaipur, and Jaipur is not a small town, but you can still call it a provincial kind of a town, and there were other students जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, दिल्ली से आए थे, मीता चंडीगढ़ से थी, चंडीगढ़ से, सुतापा दिल्ली से, तिग्मांशु भी अलाहाबाद से था, तो उनका एक्सपोजर लिटरेचर सिनेमा में बहुत ज्यादा था। शुरू शुरू में इरफान मस्ट हैव फेल्ट एंड आई थिंक ही डिड फील अ लिटिल इनएडिक्वेट। एक छोटी सी क्लास होती थी, 15-20 से कम लोग थे, तो हाउ डू यू शाइन देन? And Sutapa ne kai bari kaha hai ki he was constantly reading. And Tigmanshu also told me that their initial connection was they would discuss Marlon Brando and Al Pacino and Robert De Niro ki filmo ko discuss karne. Us tarah se connection hua because Irfan ko bahut man tha, you know, beyond just Indian cinema dekhne ke liye, discuss karne ke liye. Aur Tigmanshu unko ek dost mil gaya jisse wo connection bana. So he was able to overcome all of his shyness because of all of that. आप मुझे ये सब बता रहे थे और मेरे दिमाग में एक किताब में जिसका जिक्र हुआ है वो मंजर और एक तस्वीर घूम रही थी। तस्वीर तो ये है जो बिल्कुल आखिरी में आती है, है ना? फिर मोहन महर्षि का वो डायलॉग न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बोला था कि यू टोल्ड दैट लाइ सो ब्यूटीफुली, उन्होंने झूठ बोल के 10 प्लेस का नाम डाल दिए और नेशनल स्कूल ड्रामा ने देखा उसको और यू नो दे ट्रस्टेड हिम और मे बी दे सॉ सच अ स्टार एक्टर इन हिम और ये भी बोला कि मैं थिएटर करूंगा, जबकि उसका मन बिल्कुल फिल्मों में काम करने का था। उस टाइम में पूना इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के कोर्सेज ऑफर नहीं हो रहे थे, नहीं तो इरफान वाज वेरी कीन टू फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ ओमपुरी एंड नसीरुद्दीन शाह, दोनों नेशनल स्कूल ड्रामा गए, दोनों पूना इंस्टीट्यूट में गए। तो बहुत सालों बाद बाय द टाइम इरफान हैड बिकम वेरी बिग पॉपुलर स्टार, तो रवीना टंडन एक टीवी शो करती थी, उस टीवी शो में काफी सारे इरफान के लाइफ के लोगों को बुलाया गया, मीरा नायर भी आई, कोंकणा सेन शर्मा भी आई, तो उनके आपने जो जिक्र किया उनके उनके डायरेक्टर थे तब नेशनल स्कूल ड्रामा के, वो आए तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मोहन महर्षि हाँ कि आपने झूठ तो बहुत अच्छा बोला बट गुड यू लाइड बिकॉज यू फॉलोड योर पैशन। और उसके बाद इरफान ने प्लेस करने बंद कर दिए वंस ही स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, जब टेलीविजन कर रहे थे तो वो दो थिएटर, मैंने कई बार पता करने की कोशिश करी कि बहुत कम लोग नेशनल स्कूल ड्रामा से जो निकल के आते हैं या तो बिल्कुल ही प्लेस करते हैं या नसीर जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दे कीप डूइंग थिएटर एंड देन दे गो बैक टू फिल्म्स टू मेक मनी, यूजुअली दे ऑल गो टू फिल्म्स, और इरफान का भी यही था। असीम साहब थोड़ा सा इसको हिंदी बोलते हैं विषयांतर होगा पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये
और भी कई चीजों में जिक्र आया कि एफटीआई ने एक्टिंग का कोर्स बंद कर दिया था अर्ली 80s में आई बिलीव। हाँ वो मुझे उस वक्त सुनने में आया, इसलिए इरफान कुड नॉट अप्लाई टू एफटीआई। हां तो वो कोर्स क्यों बंद किया था कभी ये मुझे मालूम नहीं। यू नो एफटीआई हैज गॉन थ्रू सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड दे आर कांस्टेंटली ट्राइंग, कोई एक्सपेरिमेंट इन चल रहा होगा, आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ यू नो दे हैव डिफरेंट डायरेक्टर्स। तो उस वक्त बंद हो गया था, उसके बाद तो एक्टिंग शुरू में तो एक्टिंग कोर्सेज थे, शबाना आजमी, जया बच्चन वगैरह सब वहां से आई, सुभाष के भी एक्टिंग कोर्स में था मेरे ख्याल से, दे वर ऑल टुगेदर आई थिंक एंड डैनी वगैरह। और उसके बाद फिर बाद में अभी ये जो बहुत शानदार राजकुमार राव जैसे एक्टर जो आए हैं वो सब एक्टिंग कोर्सेज से आए हैं। तो आई गेस द स्कूल वाज ट्राइंग डिफरेंट फोकस चल रहा होगा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज एट दैट टाइम, अब तो बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हो गए हैं, अब वो सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट भी गवर्नमेंट ने खोल दिया है कलकत्ता में, विच इज एट पार विद पुणे इंस्टीट्यूट, बट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज द ओनली रेप्यूटेबल प्लेस टू लर्न, एंड इरफान क्लियरली ही होन्ड हिज स्किल्स सो ब्रिलियंटली देयर। इस किताब का मुझे चैप्टराइजेशन और जो चैप्टर शुरू होने पर एक काला पन्ना रहता है और काले पन्ने पर जो ऊपर लाइन लिखी होती है, मतलब वो आपको, आप ऐसा है कि एज अ राइटर आप एक हमें थ्रेड पकड़ा देते हो कि ओके ये टोन होने वाली है, नाउ मूव अहेड। ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये कैसे जहन में आई कि मैं मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैप्टराइजेशन कैसे करते हैं बायोग्राफी का, क्योंकि वो बिल्कुल लीनियर नहीं है, यू गिव द इनसाइट एंड देन यू गो स्टेप बाय स्टेप। सो मैंने मतलब काफी डिसीजन लिए थे, एक ये डिसीजन लिया था कि कौन सी फिल्मों को कवर करना है उनकी, क्योंकि इरफान ने बहुत सारी और भी फिल्में करी हैं और कई बार कई काफी बकवास फिल्में थी वो सब लोग करते हैं, शशि कपूर ने जिक्र भी नहीं किया उन सब, मतलब बस एक पासिंग रेफरेंस में कई फिल्में आ गई हैं बस। I know, but Nasiruddin Shah ने कहा था, मैंने भी बहुत करी है, पैसे के लिए मैं करता हूँ बोला था। तो जो की फिल्म थी, जो मेरे ख्याल से की फिल्म थी, जो मैं देख चुका था, कुछ मैंने पहली बार रोड टू लद्दाख मैंने पहले नहीं देखी थी, किताब के लिखने के दौरान देखी, फॉर इंस्टेंस रिसर्च करते दौरान देखी। सो आई हैड मेड अ क्रोनोलॉजी ऑफ दोज फिल्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर थोड़ा मूव करना पड़ा सोच के एक चैप्टर में उनका हॉलीवुड की फिल्म्स डिस्कस करनी है, कुछ बाद में आती कुछ पहले आती है, बीच में कुछ इंडियन फिल्म्स थी उनको थोड़ा मूव किया, पीकू एक इस टाइम पे आती है उसको थोड़ा मूव किया क्योंकि उसका उनका जो कॉमेडी रोमांस का फेज है वो बाद में आता है, करीब करीब सिंगल और हिंदी मीडियम हाँ, तो पीकू को मेरे ख्याल से उसके साथ मैंने जोड़ने की कोशिश करी होगी, तो वो थोड़ा करना पड़ता है बिकॉज दिमाग में ये भी होता है कि मतलब चैप्टर मैंने पहले कभी किताब लिखी नहीं थी, तीन किताबें अब लिख चुका हूँ, तो चैप्टराइजेशन कैसी करनी है सो दैट द रीडर can continue reading, and जैसे आपने कहा कि थोड़ा chronology नहीं चलती है, फिर भी I don't want to confuse the reader, I want to keep, and sometimes I refer back to something I may have said before, but so वो sense होना चाहिए। ये आपने जो design का बात करी कि वो जो black page आता है कैसे खुलता है, वो मेरे editors publishers और designer का था, हर किताब में थोड़ा अलग सा किया गया। शशि कपूर की किताब थी तो उन्होंने उसके जो रेड जो पेज के जो बंद करो तो बिल्कुल रेड सा लगता है, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, दैट वाज देयर डिजाइन आल्सो, सो इट वाज पब्लिशर्स एंड देयर आर्ट डायरेक्टर्स हु डिजाइन द बुक बेसिकली, एंड यूजुअली जो बुक्स होती हैं यू नो एवरी चैप्टर स्टार्ट्स ऑन द राइट हैंड पेज, इन्होंने लेफ्ट पे स्टार्ट किया, एंड देन एडिटिंग के टाइम पर ये भी डिस्कशन बहुत होता है कि ये मैंने इंडिविजुअल चैप्टर लिखे थे, अब उन चैप्टर्स को लिंक कैसे करना, कि अगला जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसके साथ कैसे उसको लिंक करना, तो पहले जो चैप्टर जो खत्म हो रहा है सम रेफरेंसेस हैव टू बी मेड इन द लास्ट कपल ऑफ पैराग्राफ्स, जबकि लगे कि स्मूथली हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल शुरुआत में ही रूहदार वाले चैप्टर में जिक्र आता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, and that gives another key to discover, try to discover this fellow. Meera Nair ke hawale se aapne likha hai, he had hooded eyes. And that says a lot. You know, so Meera is the one who discovered him when he was 18, 19 years old. Maine abhi, in fact,
मीरा का और कैलपेन को अभी फिर से इंटरव्यू किया हमारा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाला, सो आई वांटेड टू डू अ ट्रिब्यूट, सो वी हैव दैट ऑन YouTube. सो ये डिस्कशन मीरा हमें, यू नो, शी बेसिकली दैट्स हाउ शी नोटिस्ड हिम, आई मीन ही ऑलवेज हैड दिस बिग बल्जिंग आईज, कुडेड आईज साउंड्स सो मच मोर पोएटिक इन द वे इट्स डिस्क्राइब्ड. पर यू नो, इरफान ने भी कहा था, मेरे ख्याल से किताब में मैंने लिखा, इरफान ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि प्याले जैसी आंखें थी मेरी, एंड ही से लाल होती थी अपेरेंटली, ही सर के बचपन में ही वाज फ्लाइंग काइट्स ऑल द टाइम, इसलिए लाल हो जाती थी आंखें. उनकी आंखों का मैंने बहुत बारी जिक्र किया किताब में, बार 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 बार. मुझे मेरे कुछ क्रिटिक्स फ्रेंड्स ने मुझे इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि बार बार भाई, बिकॉज हिज आईज वर हिज मोस्ट स्पेशल एसेट. इनफैक्ट असीम साहब, ये जब इनकी इरफान साहब की कुछ ऑब्यूचुरीज आ रही थी उनकी डेथ के बाद, तो उनके जयपुर के थिएटर गुरु के हवाले से एक बड़ी रिमार्केबल लाइन आई कि उन्होंने कोई फिल्म की और उसके बाद अपने गुरुजी से मिले, जयपुर गए, तो उनका सर कैसा लगा आपको, तो उनका रिप्लाई था, कमबख्त कब तक अपनी आंखों की खाएगा. I mean, that line stayed with me. So you know what's interesting is, and I, so now this film called The Warrior, जो इंडिया में काफी लोगों, बहुत कम लोगों ने देखी है, which is Irfan's. मैं बहुत खोज रहा हूँ आपकी किताब पढ़ने के बाद से, अभी तक मैं लोकेट नहीं कर पाया हूँ. हाँ, तो कुछ थोड़ा वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा. वैसे मेरे पास एक डीवीडी है न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ उसका. आदि मेरा सामान हुआ न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है. तो द वॉरियर केम आउट इन 2001, रिलीज हुई 2005 में हुई है. दैट वाज हिज फर्स्ट, उससे पहले भी कुछ फिल्में करी थी, टेलीविजन तो बहुत किया था. दैट वाज हिज फर्स्ट रोल एज अ लीड एक्टर. तो वॉरियर स्टार्ट होती है, so this Asif Kapadia, who was a first time filmmaker, the opening shot is you know, when the, as the credits are rolling, we see from a distance ek desert mein ek aadmi practice kar raha hai, martial arts kar raha hai, and he's wearing, you know, lambe se baal hai, and he's wearing this sort of old sort of period clothes, etc. And then when the credits finish, the camera comes on Irfan's eyes only. To us waqt bhi, you know, आसिफ कपाड़िया को इरफान का सबसे बड़ा जो एसेट था उनकी आंखें नजर आईं, और इतने वाइड स्क्रीन में, मैंने पहली बार जब देखी थी न्यूयॉर्क में, तो पूरे वाइड स्क्रीन में, एंड हिज आईज आर राइट देयर. हिज आईज वर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई थिंक एज ही, एंड यू नो, उसमें हासिल में तो देयर इज इवन अ डायलॉग का वो शॉट. हां, तो वो तिग्मांशु ने मुझे बताया कि दैट वाज अ कंप्लीट इंप्रोवाइज, because you know he says to Jimmy Shergill ki tumne sex kiya us ladki ke sath, to Jimmy Shergill says main to usko respect karta hu, so he respect karta hu us nazar se nahi dekha, and kambat aankhein hi aisi badi nazar hi to. But jab by the time he did something like Lunchbox, bilkul apni aankhon se apne to Lunchbox usse pehle namesake usse 5-6 saal pehle aayi thi, Lunchbox mein itne sare scenes hain bilkul quiet alone, घर में बैठकर रात को स्मोकिंग कर रहा है अपनी बैल्कनी में, ट्रेन के सीन्स हैं, कैमरास ऑन हिज फेस, पीछे बाकी और भी बहुत ट्रेन में लोग हैं, एंड माय गॉड द सैडनेस दैट ही रिफ्लेक्ट्स विद हिज आईज. आई डोंट नो हाउ टू बिकम एन एक्टर, कभी किया था थोड़ा हमने थिएटर, पर मुझे नहीं मालूम है ऐसे ये कैसे कर लेते हैं ये एक्टर्स. एक वर्ड नहीं बोला, चेहरे पे एक्टिंग तो सब लाते हैं, अपनी आंखों से ऐसे एक्टिंग करवानी. इनफैक्ट आप इस सीन का जिक्र कर रहे हैं, जो हम लोग एक फ्रेज सुनते हैं, भीड़ में अकेलापन, वो ट्रेन वाले सीन में जब आंखों के पास जाता है ना शॉट, मतलब एग्जैक्टली फोकस भी नहीं करता, तो आपको दिखता है कि आदमी भीड़ में, लेकिन इसकी आंखें नितांत अकेली है, और वो अकेले का दुख है जो बहुत पुराना हो गया है, तो बहुत सरफेस पे वो जम के कहीं किनारे बैठ गया है. हां, या इट्स अ सैडनेस दैट हैज बीन एक्युमुलेटेड फ्रॉम इयर्स ऑफ. And you know, मुझे रितेश बत्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, जो मैं इरफान की डेथ हुई तो मैंने ट्विटर पे भी स्क्रीन ग्रैब लगाए लंच बॉक्स के. इरफान ने, रितेश बत्रा सेड टू मी, इट वाज नॉट अ फिल्म अबाउट एन ओल्ड मैन, इट वाज अ फिल्म अबाउट अ मैन हु बिलीव्स ही इज ओल्ड. बिकॉज वैसे तो मिड 50s का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मिड के लेट 50s का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हु इज अबाउट टू रिटायर. यस, ओल्ड एज कब होती है, यू नो, 70-80-90 साल में होती है, यू नो, 50 ईयर ओल्ड पीपल आर वेरी एजाइल, बट ही बिलीव्स ही इज ओल्ड, एंड हिज सैडनेस कम्स थ्रू दैट, एंड सैडनेस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज आईज. इसमें एक, जैसे मैं भी बहुत
एडमायर करता था, उनको अभी भी करता हूँ इरफान साहब को। मैंने एक चीज नोटिस की थी कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जैकेट्स पहनते हैं प्रमोशन। एंड देन इन योर बुक आई रेड अबाउट दैट चाइल्डहुड का एक्सीडेंट जिसमें उनका एक हाथ टूटता है, और वो एक चीज कहीं बनी रही, मतलब इसमें भी जिक्र आता है और आगे भी कि ही इज कॉन्शियस अबाउट इट। आपको एज अ ऑब्जर्वर, एज अ बायोग्राफर, एज अ क्रिटिक, आपको ये लगता है कि ये जो बचपन के इस तरह के हादसे हैं ये हमारी साइकी में हमेशा रह जाते हैं? दो इरफान के सिचुएशन से, आई मीन मैंने फरवरी में आफ्टर द बुक वाज लॉन्च यहां दिल्ली में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में बुक लॉन्च हुई थी, तो तिग्मांशु दूलिया आए थे, तो सडनली मैंने तिग्मांशु को पहले मैं इंटरव्यू कर चुका था, तो ही वाज लॉन्चिंग द बुक, तो सडनली मैं यही उनकी एक्सीडेंट की बात चली, तो तिग्मांशु ने कहा कि इरफान यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट कि अगर उनको हाफ स्लीव बुशर्ट पहना हो फिल्म में, वो नहीं दिखाना चाहते थे अपनी आर्म, एंड ही ऑलवेज हैड दिस, सो ही हैड दिस इनसिक्योरिटी कह दीजिए, कि बिकॉज उनकी आर्म पूरी तरह से ठीक तरह से हील नहीं हुई थी, बिकॉज एक साल तक फ्रैक्चर रहा, और मदर ने वो हकीम वगैरह बुला के मालिश वगैरह करवाई, तो और यू नो श्याम बेनेगल टोल्ड मी कि आई कुड सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज अ लिटिल अनकंफर्टेबल, हिज वन आर्म वाज शॉर्टर देन द अदर आर्म, तो ये रह गया उनके मतलब साइकी में जो रह गया उनके ये थोड़ा सा बचपन की इनसिक्योरिटी, बट ही वुड ओवरकम दैट यू नो विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही वुड डू, नोबडी वुड एवर नोटिस, मुझे तो मालूम नहीं था, जब लोगों से बात करनी शुरू करी, जब मैंने पढ़ा के वो गिर गए थे 7 साल की 8 साल की उम्र में, ही वाज फ्लाइंग अ काइट और कोठे से गिर गए थे, एंड हिज फादर हैड गॉन हंटिंग एज हिज फादर वुड गो ऑल द टाइम, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हिज ही ब्रोक हिज आर्म, और मदर को मालूम नहीं था क्या क्या करना है, तो मदर ने डॉक्टर के पास नहीं ले गया, नहीं लेके गए, प्लास्टर नहीं पहनाया, बस वो सम सॉर्ट ऑफ अ क्वैक डॉक्टर हकीम आता रहा, मालिश करता रहा, और हो गई ठीक, लेकिन एक आम छोटी रह गई बेचारी। सो बिफोर आई मूव टू हिज करियर, जो एनएसडी का रेफरेंस बार बार आया है और दो लोगों का, उस पर मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, एक हिज लाइफ पार्टनर सुतापा सिग्दन, एंड सेकेंड तिग्मांशु धूलिया। सुतापा से आपकी बात हुई इस किताब के सिलसिले में? नहीं, सुतापा के साथ बात नहीं हो सकी, वही था ना कि ना इरफान से बात कर सका ना सुतापा से बात सका, बिकॉज किताब में लिखता रहा जब इरफान वॉज अनवेल, उसके बाद ही केम टू न्यूयॉर्क, अब मैंने सुतापा से आफ्टर ही पास्ड अवे आई सेंट हर अ मैसेज एंड शी सेंट मी अ वेरी यू नो वार्म रिस्पॉन्स, मैं सुतापा को कभी मिला भी नहीं हूँ। अच्छा। इरफान को तो कई बार मिला था, तिग्मांशु से कई बार पहले मिल चुका था, तिग्मांशु से पहले भी बातचीत कई बार कर चुका हूं मैं, मान सिंह तोमर के टाइम में, अनरिलेटेड टू इरफान, व्हेन आई हैड रिव्यूड द फिल्म, मैं न्यूयॉर्क में था, तो तिग्मांशु एंड आई ही न्यू मी। यू थिंक दैट दैट कास्टिंग एंड वर्कशॉप फॉर सलाम बॉम्बे एंड देन गेटिंग टू नो, आई मीन वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, और उसने एक तरीके से एक मोमेंट होता है ना जो डिसाइड करता है कि नाउ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, मतलब वो आपका मेन ट्रेट बन जाता है, कि अभी इट्स लाइक एक बूढ़ा जहाजी है, वो कह रहा है कि बेटा हमने तो इतने तूफान देख लिए कि अब इन चीजों से परेशान नहीं होता, कि वो एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था इस लिहाज से भी कि मीरा नायर ऑल्सो केप्ट हर प्रॉमिस, वो थोड़ा सा अगर आप बता सके। हाँ, तो मीरा नायर, इरफान वॉज 19-20 ईयर्स ओल्ड, कुछ ये एज में क्लैरिटी नहीं आती है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी उस वक्त आई थिंक मास्टर्स का प्रोग्राम होता था, अंडर ग्रेजुएट करने के बाद बीए करने के बाद आते थे, तो पता नहीं क्या, आई एम नॉट 100% श्योर कि इनकी एज कैसी थी, कुछ कई लोगों ने डिफरेंट एज कही है। मीरा नायर गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, शी वॉज लुकिंग फॉर, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मेक सलाम बॉम्बे विद स्ट्रीट किड्स, ये आइडिया बहुत क्लियर था, पर कुछ प्रोफेशनल एक्टर्स भी उसमें डालने थे, रघुवीर यादव है उसमें, नाना पाटेकर है, तो उसी तरह से शी वाज लुकिंग फॉर सम मोर प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्टर्स एंड शी वेंट टू अ बेसमेंट, वहां पे एक वर्कशॉप हो रही थी, और चुपचाप मीरा नायर कोने में बैठ के उन्होंने बेसमेंट देखा, और मीरा की आंखें सीधा इरफान के ऊपर गईं, बट शी डिडंट से एनीथिंग टू हिम दैट डे, शी वेंट बैक एंड नेक्स्ट डे फिर आई, नेशनल स्कूल ड्रामा ने उनको परमिट किया होगा आने के लिए, एंड फिर से जाके देन शी वॉक्ड अप टू इरफान एंड सेड कि हम ये फिल्म बना रहे हैं सलाम बॉम्बे, बॉम्बे में शूट होगी, उससे पहले वी हैव अ 2 month वर्कशॉप, I would like you to come for the workshop and also sort of audition for a particular character. So Irfan to bahut khush ho gaya, he had to take a leave from National School of Drama. I'm sure unke jo classmates hai baki
उनको कितनी जेलसी हुई होगी. They were friends, all of them, but competition तो होता ही है, especially at that young age. और वो फिर अपने बैग लेकर सूटकेस लेकर बॉम्बे पहुंच गया. और बॉम्बे में मीरा नायर had rented an apartment जहां पे she was staying, her cinematographer was staying. और बीच बीच में जो स्ट्रीट किड्स होते जिनको रात को घर नहीं मिलता तो वो आते थे. इरफान भी वहां 2 महीने रहा पेडर रोड पे, मीरा ने बताया अपार्टमेंट. इनफैक्ट इट वॉज आई थिंक 1 फ्लोर अबव और बिलो वे श्याम बेनेगल यूज्ड टू लिव एट दैट टाइम. कभी कभी रघुवीर यादव भी आ जाया करते थे. एंड बैरी जॉन आया एंड बैरी जॉन ने इन लोगों के साथ बहुत प्रॉपर वर्कशॉप करी. और यू नो दे फर्स्ट गॉट ओवर 200 स्ट्रीट किड्स. निलिता बचानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, शी वेंट अराउंड टॉकिंग टू स्ट्रीट किड्स. उनको पर्ची दी गई तो करीब 200 से ज्यादा स्ट्रीट किड आए. उनको देन दे कट इट डाउन टू बट 15-20 किड्स. एंड इरफान खान आई गेस रघुबीर यादव का जो कैरेक्टर थे उनके वर्कशॉप्स वगैरह करते रहे. देन दे गॉट द कैमरा मैन एंड स्टार्टेड शूटिंग ऑल्सो द कैमरा पर्सन इज वुमन. विच इज वेन मीरा रियलाइज एंड हर कैमरा पर्सन रियलाइज कि इरफान इवन दो ही वाज वेरी थिन एंड लैंकी ही हैड ग्रोन अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली और खाते पीते थे. ऐसा नहीं कि गरीबी की हालत थी तो देयरफॉर हिज नरिशमेंट हैड गिवन हिज बॉडी. ही वाज टॉल गाय और हिज स्ट्रीट किड्स वर सो अंडर नरिश्ड. एज में ज्यादा होंगे पर छोटे हाइट में इतने थे. तो इरफान वाज जस्ट नॉट फिटिंग इनटू दैट ग्रुप एंड इट वुड लुक लाइक अ वेरी ऑड. It would look like a different story than what Meera was trying to do. So according to Meera, just a few days before they were going to start the shoot, they said she had to go to Irfan and said, I'm really sorry, but nahi ban raha hai aapke saath idhar. And she said, ki ek Suni Tarpur wala who wrote the script, ek unhone character likha hai film mein. It's a small role of a letter writer. 5 minute ka bhi role nahi hai. It's a beautiful role. Aapne dekhi hai na Salaam Bombay. Yes. Aur wo yes. scene, YouTube में उसका लिंक भी है कोई देखना चाहे तो वो कर दो अभी मेरे लिए. एंड उसके बाद आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू समथिंग. तो बहुत लोगों ने कहा कि इरफान रोया. इरफान ने खुद भी बोला है इंटरव्यूज वगैरह में कि वो बहुत रोया. मुझे सुनी तारपुर वाला ने मुझे बताया कि बहुत रोया. और फिर उसको इरफान को शी सेड यू नो दिस क्लीशेड स्टेटमेंट कि व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर वन विल ओपन यू नो समथिंग लाइक दैट. वो फिर वापस आ गया फिर बॉम्बे एंड देन ही हैड टू स्टार्ट हिज ओन स्ट्रगल. आई मीन आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो कुछ प्लेज किए इमीडिएटली बॉम्बे में. उनको कुछ फिल्मों के रोल मिले थे गोविंद निलानी की 2-3 फिल्मों में दृष्टि में और छोटे छोटे रोल थे. दो तीन टेलीविजन की फिल्म थी गोविंद निलानी ने करी थी उसमें रोल मिले थे. बट इट टुक हिम मोर देन 10 years टू गेट द काइंड ऑफ ब्रेक दैट ही वॉन्टेड. आई मीन एक डॉक्टर की मौत थी पहले काफी फिल्में थी बीच में सारा टेलीविजन करता रहा करियर. पर मीरा ने प्रॉमिस किया था और मीरा का ये था कि एक दिन उनको देंगे. फाइनली मीरा यू नो मीरा सेड टू मी दैट व्हेन शी वाज कास्टिंग नेमसेक तो काफी कैरेक्टर बीच बीच में पहले गोगल का कैरेक्टर अभिषेक बच्चन को दिया गया था. ओके एंड अभिषेक बच्चन देन रिफ्यूज्ड टू डू इट क्योंकि उसमें कुछ सेक्स सीन थे ही वाज अनकंफर्टेबल विद इट. कोंकणा सेन शर्मा वाज सपोज्ड टू डू द रोल ऑफ आशिमा व्हिच वाज ऑफर्ड टू यंचू तबिल एंड कोंकणा सेन गुप्ता Sen Sharma. Last minute she had to say no because she was doing she had agreed to do 15 Park Avenue with for her mother. Last minute Tabu made her dates available for Meera Nair. But Irfan shuru se Meera ki dimag mein ek baat thi ki Irfan is going to be Ashok Ganguly. Not just because she had made a promise to him, she knew that this role suited him. And what a fine Ashok Ganguly he made. Aur uske baad phir Meera ne do aur role diye Irfan ko. Do short films hain. Ek मीरा ने 4 फिल्म्स प्रोड्यूस करी थी एट जागो बिल गेट फाउंडेशन में. उसमें मीरा ने डायरेक्ट करी है माइग्रेशन. उसमें इरफान प्लेज अ गे कैरेक्टर छोटी 15 मिनट की फिल्म है. दैट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एनीवन कैन वॉच. और एक बाद में नेटली पोर्टमैन या एन हैथवे के साथ एक है. हाँ जी एक फिल्म नेटली पोर्टमैन के साथ है. हाँ तो वो एक एंथोलॉजी बनी थी न्यूयॉर्क आई लव यू. उसमें काफी सारे वेल नोन वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर्स ने न्यूयॉर्क की स्टोरी डाली है. एक मीरा नारायण जो डायरेक्ट करी है इट्स कॉल्ड वेजिटेरियन कोशर. जो सुकेतु मेहता जो ऑथर है न्यूयॉर्क में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी. एंड मीरा कास्ट नैटली पोर्टमैन एज एन ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश वुमन एंड इरफान एज एन वेरी ऑर्थोडॉक्स जैन. बिकॉज वो न्यूयॉर्क में एक डायमंड डिस्ट्रिक्ट है. 46 स्ट्रीट पे एक स्ट्रीट है सारी डायमंड्स की दुकानें हैं. या तो गुजराती जैन वहां काम करते हैं या ऑर्थोडॉक्स ज्यूज नॉट इवन जस्ट रेगुलर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज. एंड स्टोरी less than 10 minute story mein
मीरा ने ये दिखाते हैं कि यू नो नैटली पोर्टमैन्स कैरेक्टर एंड इरफान्स कैरेक्टर स्टार्ट टू इमेजिन व्हाट इफ दे वुड फॉल इन लव एंड व्हाट इफ दे कुड गेट मैरिड. इट्स अ लवली फिल्म. तो ये न्यूयॉर्क आई लव यू आई थिंक पीपल कैन गो टू आईट्यून्स वगैरह दे कैन बाय इट. सो शी गेव हिम थ्री रोल्स. ओके व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज टीवी डेज स्टार बेस्टसेलर चंद्रकांता स्पर्श एंड फ्यू अदर. See, अब चंद्रकांता देखो तो मुझे बड़ा मैंने पहले तो नहीं देखे थे कुछ एपिसोड देखे हैं यूट्यूब में तो मुझे तो बहुत ऑड लगता है. ऑल्दो इट्स अ वेरी पॉपुलर शो. हाँ वो बनेगी अपनी बात मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज उसमें ऑल्दो इरफान वाज इन हिज लेट 20s और मिड 20s लेट 20s में होंगे ही वाज प्लेइंग अ मच ओल्डर रोल. वो शायद सुतापा ने लिखा है वो कुछ. हाँ हाँ एंड सुतापा ऑल्सो रोट अ लॉट ऑफ एपिसोड्स फॉर स्टार बेस्ट सेलर्स ऑल्सो. तो बनेगी अपनी बात. आई थिंक देयर वाज समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज़ जैसे उस जमाने में जो यंग लोग थे मतलब 90s में कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे कपड़े पहनते हैं कैसी बातचीत करते हैं दैट वाज वेरी गुड. एक जो गुलजार ने जो स्टोरी लिखी थी जिसमें ओमपुरी प्लेज किरदार. जी जी जी. सो एवरी एपिसोड हैड ओमपुरी इन इट एंड देन सम अदर एक्टर एंड इरफान डिड अ फ्यू रोल्स विद ओमपुरी. Those are lovely. In fact, Meghna Gulzar told me that was her first introduction. She went to the sets and she saw Irfan working. Those are very interesting. Those. But beech beech mein, Irfan was very unhappy because wo rose ke rose same role karna, bar bar you know performance karna. And jab unhone finally when he got the warrior, he understood ke ek film mein do mahine tak uspe focus karo. How you develop your character? That is what something he was searching for since his National School of Drama days. Post National School of Drama days, उनको पहली बारी समझ आया कि वो फिल्मों में क्यों एक्ट करना चाहते थे. Because you are allowed to become a character over a period of time. TV में क्या होता है कि एक दिन जाओ वो शूट करो दूसरे दिन वही करो वो तीसरे दिन वही करो अगले हफ्ते वही करो जो चलता है वही बार बार करवाते हैं. Yes. And he was very unhappy. पैसे थोड़े बन रहे थे मतलब बॉम्बे में रहने के लिए ठीक था सर्वाइव कर रहे थे बट ही वॉज अनहैप्पी. We are talking about actor Irfan, but there's this director Irfan. Would you care to talk about it? No, he directed one of the episodes of Star Bestseller. Star Bestseller, yeah. Which, in fact, मैंने वो देखा नहीं है एपिसोड. Alvida. Alvida, it's not available anywhere. I've heard there's a VHS tape with somebody. Because Irfan cast, Digmanshu Dhulia ने उनको recommend किया था कि एक young actor आया है National School Drama से अभी. उसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसको कास्ट करो. एंड इरफान ने कास्ट किया. लेटर अमित कुमार है जिन्होंने बाईपास बनाई है और मॉनसून शूटर बनाई है. अमित सेड ही सॉ दैट वीएचएस टेप एंड दैट्स हाउ ही वाज कन्विंस्ड के वो नवाज को कास्ट करेंगे. तो नवाज का करियर एक तरह से इरफान के थ्रू ही लॉन्च हुआ. और मैं कल ही इस इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में और चूंकि आई कम फ्रॉम दैट एरिया आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड तो वो जो भिंड मुरैना वाला जो लोकल है तो मैं पान सिंह तोमर देख रहा था और कुछ शॉट्स पड़े ठहर से गए जिसमें नवाज का कैरेक्टर इरफान के पीछे खड़ा है. बहुत ही फोकस में भी नहीं है. स्माइलिंग मतलब ही इज वन ऑफ दोज पीपल. तो वो काफी नवाज हैड नॉट बिकम एन एक्टर. आई मीन पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग हु नवाज वाज बट ही हैड स्टिल नॉट बिकम एन एक्टर बाय दैट टाइम. मैंने इनफैक्ट क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहता था और मैं फिल्म फेस्टिवल को प्रोग्राम करता हूँ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल. हमने नवाज की काफी सारी फिल्में दिखाई थी. पतंग एक फिल्म थी. फिराक थी शुरू शुरू में. देख इंडियन सर्कस थी. किसी ने देखी नहीं थी. और मैं जब लोगों को बताता था कि नवाज है देन फाइनली आई वुड टेल देम कि वो तलाश में है. एंड दे वुड से अच्छा वो कहानी वाला एक्टर. अच्छा हाँ पर उसने पांच फिल्में उससे पहले करी है वो भी देखी है. सो इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी जिसमें नवाज प्लेज अ रोल ऑफ अ वेटर. अभी याद आएगा मेरे को छोटा सा रोल है मैंने एक देखी थी. आर यू टॉकिंग अबाउट शूल? हाँ शूल. सो उसमें ही कम्स एज अ वेटर टू टेक द ऑर्डर. उसमें क्योंकि एक बड़ा कमाल का डायलॉग है कि रवीना टंडन सेज कि ये तो बहुत महंगा है. मनोज वाजपेयी से हम आपको कभी किसी चीज के लिए मना किए हैं. साइड में खड़ा ऑर्डर ले रहा बस ब्लिंक एंड मिस रोल. मैंने मनोज वाजपेयी को इंटरव्यू किया था. मैं उनकी कुछ फिल्में फिर से देख रहा था अभी रिसेंटली.
उसमें नवाज हैज अ स्मॉल रोल, यू नो, यू रिकॉग्नाइज. ऐसे तो इरफान को भी, मैं आपको बताऊं, मैंने ना व्हाट्स दैट फिल्म, दृष्टि, अपोजिट डिंपल कपाड़िया के, अपोजिट डिंपल कपाड़िया, वो मैंने अर्ली 1990s में न्यूयॉर्क में एक पायरेटेड वीएचएस टेप पे देखी थी. उसी तरह से वी कुड सी फिल्म्स. डिंपल कपाड़िया याद है मुझे उस फिल्म में, शेखर कपूर याद है, और ये याद था कि डिंपल कपाड़िया हैड एन अफेयर विद सम यंग मैन इन द फिल्म हु हैड कर्ली हेयर. और बाद में मेरे को दिमाग में ऐसा कहने लगा, जैसे वो जाकिर हुसैन तबला वाला प्लेयर है, आई केप्ट थिंकिंग मे बी जाकिर हुसैन प्लेड द रोल इन दैट फिल्म, बिकॉज आई हैड नो आइडिया हु इरफान खान वाज, आई हैड ऑलरेडी सीन हिम इन फिल्म्स. आई मीन बाय द टाइम आई एक्चुअली डिस्कवर्ड हु इरफान खान वाज व्हेन आई सॉ मकबूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे, एंड आई सॉ हासिल्स इमीडिएटली आफ्टर दैट, एंड उसके बाद ये सारी. You watched Maqbool first and then Hasil. Yes. Yes. You discovered. मेरे एक बहुत जिगरी एडिटर दोस्त हैं निखिल लक्ष्मण. इनका आपने जिक्र पहले ही पन्ने पे किया है, निखिल लक्ष्मण. तो एक रात को मैं बॉम्बे आया हुआ था, तो एक रात को उन्होंने कहा ये फिल्म जरूर देखनी है. विशाल भारद्वाज, आई न्यू विशाल, आई सीन ब्लू अम्ब्रेला, वो शायद बाद में आई थी मकड़ी, आई न्यू विशाल भारद्वाज, उनका म्यूजिक मैं जानता था. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ, बट देन आई रियलाइज्ड आई हैड सीन इरफान बिफोर इन दृष्टि 10 प्लस इयर्स बिफोर दैट. Let's talk about Maqbool then. I mean, एक वो टर्म होता है ना कास्टिंग कू. एक फ्रेम है, उस फ्रेम में पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पीयूष मिश्रा एंड इरफान. I mean, इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है? It's an entire National School of Drama kids, yes, students. Yes. And Irfan was the junior most to all of them. Yes. And the confidence with which he sits. And the confidence is that she acts. So, I Maqbool ka 3-4 bar dekh chuka tha kitab likhne ke time, I started watching it again. That the realization came to me at that point, because what I had done earlier was, when I was writing about the, when I was researching about the National School of Drama days, the National School of Drama ki website mein aap jaiye, bada interesting actually, unka ek PDF file hai, wo kholiye. To shuru se lekar, jab se National School of Drama start kiya tha, har saal ke class mein jo students the, उनके नाम लिखे हुए हैं. सो यू कैन सी व्हेन ओम शिवपुरी ग्रेजुएटेड, यू कैन सी व्हेन यू नो एवरीबॉडी अंटिल यू नो तनिष्ठा चैटर्जी वगैरह, अभी जो रीसेंट जो एक्टर्स हैं शुरू से लेकर अंजलि देश, सुरेखा सीकरी, मनोहर सिंह वगैरह शुरू के. सो आई दैट वाज द लिस्ट आई हैड बीन स्टडीइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऑल्सो उस चैप्टर में मैं आइडेंटिफाई करना चाहता था कौन सी क्लास में है. तिग्मांशु एक दो साल जूनियर थे, यू नो दैट आइडिया. तो सडनली व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दैट सीन अगेन इन मकबूल आफ्टर हैविंग सीन द फिल्म 3-4 टाइम बिफोर, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट अ ग्रेट कास्टिंग. आई मीन दिस इज द हैट्स ऑफ टू विशाल भारद्वाज, ऑल्दो ही टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिसाइड ऑन इरफान. काफी और कैरेक्टर्स को सोचते रहे, इंक्लूडिंग एट वन पॉइंट ही वाज अबाउट टू ऑफर इट टू कमला हसन, बट देन नसीर साहब वीटोड. नसीर साहब, व्हाई? बाय माइल्स अहेड, द बेस्ट इंटरव्यू आई डिड फॉर द बुक ऑफ द नसीरुद्दीन शाह रियली, बिकॉज ही इज सो ओपन. सच्चाई होती है वो ही बोलते हैं. पर ये मसला क्या था ये नसीर साहब और कमल हसन वाला, कि कमल अगर वो रोल करेंगे तो मैं नहीं करूंगा? I didn't go deeper into it, but I think Kamala Hassan has a, I hate to say this, he has a reputation of taking over and not giving enough prominence to, you know, not being, you know, sharing space well with other actors. I've spoken to Rahul Bose, he had acted in that, what is that, that terrorist thriller of Kamala Hassan, jisme wo dancer bhi hai. Dancer bhi? Kamala Hassan is a dancer, is a terrorist. Anyway, uske do parts se, Vishwarupam. Vishwarupam, haan. Dashavatar ya Vishwarupam, kuch aise. Vishwarupam, haan. So, Rahul Bose told me, he said that I had to develop my own character because Kamala Hassan as a director was completely focused on Kamala Hassan as an actor. He said he never once gave me directions. You know, Rahul Bose has that hoarse voice in it and all of those things. He said that was all my doing. I am the one who built the character. He would, Kamala Hassan would just come to me sometimes and say, Mr. Bose. He would call him Mr. Bose.
So anyway, I mean, I don't want to badmouth Kamal Haasan because he's a very, very fine actor and he's done some amazing work. But, you know, every actor has their own personalities. And true, I think Nasiruddin Shah probably would have had. And then Nasiruddin Shah talked to me about how generous Irfan was. Ek do scenes hain us film mein, wo toward the end, Nasir and Ompuri are in jail. And Irfan's character comes and, you know, he puts this gun on Nasir's forehead. And Nasir said to me, he says, there are actors, when they have an upper hand, they would gloat. And especially a junior actor who emulated Nasiruddin Shah. And Nasiruddin Shah was one of the oldest actors. In a scene where you are much more prominent, you're giving much more prominence to Irfan than to Nasir. Irfan could have very easily acted like, ye toh mera scene hai. Main actor hoon. Lekin Nasir ne kaha nahin. He was very generous. He would share this the shot and the scene with all the actors. He understood. See, the greatness of Irfan was that it was not that wo khud apni acting karne jaate the. He was interested in the overall larger picture of how the film was going to shape and how each actor would shape. I mean, I was told by Ritesh Batra, you know, there are some scenes where shoot ho raha hota hai, so I'm speaking and the camera is behind this other actor who's I'm speaking to. And they could quite easily use a double or something. The camera shot is coming over the person's shoulder. But Irfan would want to stand there because he would want the other actor, in most cases, it was, of course, Nawaz, to be able to face him. Because then the real acting of Nawaz will also come out when he's actually looking at Irfan Khan, the Sergeant Fernandez. And that was the greatness of Irfan because he wanted every actor to shine in the films, not just himself. So rather than going the usual way, मैं थोड़ा सा twist ले आता हूँ कि हम लोग traits के बारे में बात करने वाले हैं. Now onwards we will talk about films and particular scenes which really appeal you. Start with Haasil. Let me tell you this that ये मैंने किशु को भी बताया और इरफान भाई को भी बताया कि हम लोग उस generation से हैं जिनके लिए Haasil एक cult थी. I am from UP. पॉलिटिक्स और उसको एक इस तरह से स्क्रीन पे देखना कि मतलब हमें हम लोग ऐसी क्विज खेलते थे यूनिवर्सिटी में उसने रणविजय को गौरी शंकर ने कहां से कहां तक दौड़ाया इस तरीके से जज था हमारे भीतर तो वो बहुत कमाल का है पर आपको तो Haasil का ओपनिंग शॉट आई मीन इट्स एडिटेड ऑफ कोर्स बट इट इज सच अ पावरफुल सीन एक वो फंक्शन हो रहा है ऑडिटोरियम में And there's a shootout and chase sequence going on, which is so brilliantly done. I mean, there have been other films also. I mean, in fact, Irfan ki film thi D-Day, usme bhi wo opening scene jo hai 10-15 minute ka. But Haasil mein, that itself is so compelling. And you realize this is student politics and it is very true. That is the level of student politics, especially in small, you know, outside of bigger metropolitan cities. Chalta hai aise. और कितने सीन्स हैं मुझे बिकॉज़ आई मीन इरफान्स कैरेक्टर इज सो चार्मिंग इन दैट फिल्म इन द बिगिनिंग यू रिमेंबर दैट सीन जहां पे वो लोग नायक फिल्म चल रही है पुराने से यस 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 एंड देन दे डिस्कस कि हम लोग गोरिल्ला हैं गोरिल्ला यस 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 और ही इज सो नॉट देयर मतलब लग रहा है कि बहुत रिलक्टेंटली बात कर रहे हैं बस हां गुंडा जो है लीडर जो है तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता है एंड यू नो आई एम श्योर देयर इज अ थ्रिल दैट यू आर यंग एंड यू आर नाइव एंड यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड एवरीथिंग एल्स एंड अ बिगर man with a much more bigger persona, which is the role that Irfan plays, aapko attention de rahe hain. So they played very well together. And then this realization ke actually Irfan's character is not at all that pure as he comes across. He's an absolute snake. Yes. In fact, hum logo ki jo ikloti khwahish rahi hai Haasil ke context mein, wo ye rahi ki yaar, Ashutosh Rana ke kirdar ko jaldi maar diya, Gauri Shankar wale ko. When two of them come on screen. That's very early, हाँ, तब तो वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चली जाती फिल्म जब गौरी शंकर और रणविजय के किरदार बात कर रहे हैं yes, yes. जान जाने वाली थी तो क्या होगा बाबू साहब यू नो वो अलग है वो सो दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज यू नो उससे पहले रामगोपाल वर्मा ने बनाई थी जो सत्या बनाई थी देयर वेरी फ्यू फिल्म्स
एट दैट टाइम एंड इवन बिफोर दैट, उससे पहले जैसे यश चोपड़ा ने वो सलीम जावेद के डायलॉग से त्रिशूल वगैरह बनाई थी, अमिताभ बच्चन के की परफॉर्मेंस देखी, वेरी फ्यू इंडियन फिल्म्स रियली ब्रिंग दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड दे आर सो पावरफुल एंड हासिल रियली, यू नो, गिवन द फैक्ट दैट हिमांशु दुलिया वाज यू नो फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, टू बी एबल टू पुट अप अ फिल्म ऑफ दैट स्केल एंड जो फाइनेंशियल इश्यूज उनको प्रॉब्लम्स बनी फिल्म को बनाने के लिए. और फिर वो मजेदार किस्सा कि बुला लो, बढ़िया सीन है, लाइट चली जाएगी, एंड इसलिए यार ये क्या तरीका है. तो यार हाँ, वो इरफान को गुस्सा चढ़ा, वो तो सो रहे थे दोपहर को, तो बुला लो, एंड फिर उन्होंने जैसे ब्यूटीफुल सीन पीछे गंगा, ऐसे ही सडनली तिग्मांशु को ख्याल आया कि हाँ वो जो सीन मैंने लिखा है यही शूट करना है, आज ही करना है, बुलाओ इरफान को. इंटरेस्टिंग है. इरफान के कैरेक्टर को हम कई बहुत ही नेचुरल किस्म के कोलेबरेशन की नजर से भी देख सकते हैं. तो एक तो है जो इरफान और तिशु का है, जो हासिल में दिखता है और जो अपनी पीक पर पहुंचता है पान सिंह तोमर में. मैं साहब बीवी गैंगस्टर, आपने ठीक ही लिखा कि वो जो पहला पार्ट था उसकी ओरिजिनलिटी थी, सेकंड और थर्ड तो वो पूरा खराब हो गया वो फ्रेंचाइजी का, और पान सिंह तोमर में बड़ा कमाल का. एक दूसरा कोलेबरेशन जो चलता है वो है विशाल भारद्वाज और इरफान का, विच स्टार्ट्स विद मकबूल. और उसमें विशाल साहब ने एक बड़ी अच्छी ऑब्यूचुरी लिखी है स्क्रीन प्ले की स्टाइल. हाँ, इज लवली. तो उसका हमने, उन्होंने हमें परमिशन दी, तो लल्लन टॉप ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन छापा. आंसू आ गए थे तो पढ़ते पढ़ते. तो उसमें वो जिक्र आता है कि झगड़ा चल रहा है, फिर वो कॉल करते हैं, फिर वो काट देते हैं. हाउ डू यू लुक एट मकबूल एंड अदर कोलेबरेशंस लाइक सात खून माफ में जो किरदार है पोएट का, और फिर हैदर में रूदा का किरदार है. सो देखिए, सात खून माफ में तो इट वाज वेरी क्लियर दैट दैट वाज प्रियंका चोपड़ा फिल्म. Yes. And every actor, whether it was John Abraham or whether it was Nasiruddin Shah or Irfan Khan, they knew that they will only be appearing in those one-one segments. But something like Haider, that it is a, you know, Hamlet story set in Kashmir. There are several actors, several roles. I mean, you know, Irfan could have been offered K.K. Menon's role, for instance. I don't know why. I'm not sure what happened there and all. But Irfan took one of the smallest roles in the film, and what beautiful passion he shows into that Rudar character. You know, ghost tha Hamlet mein, usko Rudar bana diya. In fact, I don't know if you know, but Vishal Bhadwaj ka and the family have a dog at home. Uska naam unhone Rudar rakha hua hai. Okay. So, pyar se matlab. So. And you know, the first time we actually see Irfan in Haider, I mean, clearly Vishal Bhardwaj knew that even though it's a small role, he's giving to one of the finest actors in India. But usko jitna promise diya, you know, distance se, ek out of focus se lagta hai koi aadmi chal ke aa raha hai. And that background score, which and the score, there was a special score created for Rudar. And then he appears in front of you, and his eyes and the way the topi penny, your shawl dala hua hai. Wow. It is absolutely wow. And another thing that Vishal Bhardwaj ne bataya hai ke, there's that scene inside the jail, you know, and where, and that's but how you realize how Irfan would prepare himself for performances. So lighting or setting karne mein badi der lagti hai. And suddenly Vishal Bhardwaj dekha ke Irfan ek jagah baith ke, completely quiet, he was almost meditating, he had become that Rudar character, and Vishal realized that that's where he's going to sit. So sare actors ko uske aas paas bithaya ke yahi ye scene shoot karenge. And they started rolling without announcing. Kamal hai wo. No, but the Rudar ka character, it's just absolutely brilliant. And then so apparently after the premiere of the film, Irfan gave in the lobby of the theater only, he gave a hug to Vishal Bhardwaj and he said, kya ye aisa introduction kiya to main kuch paise bhi nahi leta aapse, to mujhe malum hota tha. In do ke beech mein ek film Saath Khun Maaf aayi, jiske character ke nuances ko crack karne mein unko bada jatan laga, aapne zikr bhi kiya hai, Wasiullah Khan naam hai shayad character ka.
you talk about that? So yeah, उस सीन में सबको बड़ा मुश्किल लगा, प्रियंका को भी बहुत मुश्किल लगा, बिकॉज एक तो खैर पहले इरफान की बात करते हैं, बिकॉज यू नो ही इज सच अ चार्मिंग रोमांटिक पोएट, जिस तरह से वो श्रीनगर के गार्डन में चल के और वो यू नो पोएट्री रिसाइट हो रही है, गुजार के लफ्ज रिसाइट हो रहे हैं, एंड ही इज कंप्लीटली वूइंग ओवर, ही विंस ओवर दिस वुमन एंड शी मैरीज हिम, बट ही हैज दिस हॉरिबल फ्लॉ that while performing sex in the privacy, he becomes a violent man, and that's what gives him the thrill. That's the character that Vishal Bhardwaj had written. And Irfan was very uncomfortable doing that, to be hitting a woman. So it was very hard for him to play that role. Or Priyanka ke liye to, it was even harder. Because Priyanka is not a seasoned actress at all, and to A, you know, you have Irfan Khan with this National School of Drama training, he could become what the director wanted to. So, in fact, Vishal Bhardwaj said to Priyanka, you know, just imagine that you are like a guru like Meryl Streep and go do it. so it's a very hard scene to watch as an audience member also. Because you suddenly realize ke ye aadmi itna charming is the word I had used earlier also. Itna suave, aur jis tarah ke wo unhone sherwani pehni hui hai aur wo kashmiri topi pehni hui hai. Aur lehze mein ek narmi hai bahut hi jo before that revelation wo dikhti hai. Yeah, there is culture in him and there is subtlety. Halka sa feminine tone bhi aata hai to sensitivity. But you know, that kind of those kind of people exist. They're completely there. I mean, not just saying ke they get violent during sex, but you know, there are many men who indulge in domestic violence, and on regular days you have no idea what they are doing, because they come across as the nicest people in the world. Aise bahut log hote hain. And Vishal Bhardwaj ka, you know, I don't know, but I haven't read Ruskin Bond's short story on which Saath Khun Maaf is mentioned. So whether Ruskin Bond had developed the character that well or it was Vishal's doing. But Vishal Bhardwaj is very astute in bringing out the darkness in some of his characters that we can't even imagine, and then you realize and say it can be believable. Again and again, Vishal Bhardwaj has done that in his films. Third collaboration I want to explore during this interview is between Bhatt Camp and Irfan. I mean, casting him in Rogue. See, Bhatt Camp ka ye hai ke, I think at a certain stage in his career, when he was doing all this television work, and Irfan ko koi itna kuch samajh nahi aa raha tha ki kyun nahi unka career chal raha hai. Mahesh Bhatt came in his life because Mahesh Bhatt was much older, experienced, and Mahesh Bhatt made some very, very fine films at one point, you know, Sara Ansh and Arth, etc. And then his production company and his brother and his nephew has started making all these sort of these sex thrillers. Many of them were just complete remakes of Hollywood films. But they came in, Mahesh Bhatt especially came in Irfan's life at a certain stage when Irfan really wanted an anchor, somebody older, experienced, who could show him the path and show him where to go. Kafi confusion aa gaya tha Irfan ki life mein, because unko kaam nahi mil raha tha jo wo karna chahte the. Now, as it happened, the Bhatt Camp also gave him the kind of work that, I mean, if Irfan was alive today, he would never do those kind of films anymore. Kasoor mein chota sa role tha, aur bhi chote chote role the. Rogue to, you know, maine dekhi hai Rogue. It's really, it's got so many problems, that film, including the fact that they cast this very, very sexy, stunning South African model who's gorgeous to look at, but she's completely wooden. She couldn't act. And then they dubbed her voice. Or Sohail Seth ka bhi character hai, everything is overdone. Aur uske scenes ke beech mein Irfan ki performance chal rahi hai. Aur Bhatt sahab ka kehna ki gandi acting kar, gandi acting. Haan, that's the other thing also. The gandi acting was very interesting because I had heard Irfan talk about that in some interviews. So when I went to interview Vishal Mahesh Bhatt, I said, aapne ye gandi acting kya kaha tha? And Mahesh Bhatt looked at me like he couldn't understand. Then he remembered. By which gandhi acting karne ka ye matlab tha ke, you know, the kind of films Mahesh Bhatt was making were for the masses. Aur jo front benchers hote hain the movie theaters mein, you know, un dinon mein especially,
they were not interested in fine, nuanced sort of warrior and Maqbool kind of, you know, namesake kind of performances. They want loud, they want obvious performances. Ek wo commercial cinema mein badi obvious sort of performance hoti hai. So Mahesh Bhatt taught him that lesson. कि अगर आपने करियर बनाना है फिल्म इंडस्ट्री में तो यू कैन नॉट जस्ट कंप्लीटली बी फोकस्ड ऑन के एवरी 3-4 इयर्स यू विल गेट अ लंच बॉक्स और अ नेमसेक और सम अदर फिल्म. बीच बीच में ये सारी और भी फिल्में करने पड़ेंगी जो नसीर साहब और बाकी सब लोग करते ही हैं. अनुपम खेर, नसीर साहब, आई मीन दे आर वेरी फाइन. ऐसा बनाना पड़ता है, यू गॉट टू मेक अ लिविंग एंड यू नो द एक्सपेंसेस होते हैं. यू लिविंग इन बॉम्बे, यू वॉन्ट टू ट्रेवल, यू वॉन्ट टू सेंड योर किड्स टू द बेस्ट स्कूल, सो सब करते हैं ऐसा जी. असीम साहब, हमने भट्ट कैंप से कोलैबोरेशन की बात की, विशाल भारद्वाज की बात की, तिग्मांशु धूलिया के साथ बात की. अब आई वांट टू आस्क यू अबाउट द हॉलीवुड फेज व्हिच ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही वाज अ ग्रेट एक्टर एंड सो पेनफुल टू से वाज रादर देन इज, पर एक जिसको बोलते ना एक नया आसमान मिल गया उड़ने के लिए, और वो हुआ जब उनकी हॉलीवुड की जर्नी शुरू हुई जो इन अ वे द वॉरियर से शुरू हो गई थी. लेकिन पहले छोटे छोटे रोल रहे या बहुत डिफिकल्ट रोल रहा एक इन ट्रीटमेंट का, जिसके बारे में आपने काफी डिटेल में लिखा है, और फिर वो होते होते ऐसा हो गया कि वो कैपिटल लेटर में उनका नाम आने लगा. एंड इरफान खान, यू नो, लाइफ ऑफ पाई का रोल, स्लम डॉग मिलियनेयर का रोल, इन छोटे बड़े रोल, कुछ डिसअपॉइंटिंग भी रहे जैसे वो स्पाइडरमैन वाला. कई ऐसे फिल्में हैं जो आई कैन ओनली इमेजिन कि उसमें इरफान साहब होते तो कैसा होता. आपने जिक्र किया है कि वो शेड्यूल की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, जैसे इंटरस्टेलर का रोल, मार्शियन का रोल, इस तरीके के. सो हाउ डू यू लुक एट दैट जर्नी? मतलब ये बिल्कुल वैसी थी, एंड आई मे साउंड वेरी क्रूड और हार्श और मे लुक लाइक अ फूल पर्सन, बट कि एक तो वो एक इंडी फिल्म का जॉनर है जिसके तहत ओमपुरी साहब को कास्ट कर लिया जाता था ईस्ट इज ईस्ट में. फिर एक जॉनर था जिसको शशि कपूर के थ्रू एक्सप्लोर किया गया, पर वो भी लार्जली वैसा ही रहा. फिर प्रियंका ने एक ग्लास सीलिंग तोड़ी जब वो क्वांटिको में लीड होती है, बट वो जर्नी बाद में होती है, उसके पहले इरफान साहब की शुरू होती है. यू सिटिंग देयर ऑब्जर्विंग एज यू राइटली सेड इन द बिगिनिंग एज वेल कि इंडियन एक्टर्स की ट्रेजेक्टरी को यहां पर देखना, तो आपने कब नोटिस किया? क्योंकि ये बड़ा मजेदार एक वाक्य आपने लिखा भी है कि you're walking in New York and all of a sudden you received a call. You know, I really can't get over that moment in my life, really. You know, I had seen the namesake at this film festival in Colorado, Telluride Film Festival. और उसके बाद मुंबई मिरर ने मुझे कहा था कि मैं राइट अ वीकली कॉलम, तो संडे का एक मैगजीन निकाल देते द बज, वो बंद हो गया, मेरा कॉलम भी अब बंद हो गया. खैर, तो उन्होंने मुझे कहा कि डू अ लार्जर प्रोफाइल ऑफ मीरा नायर. तो I had interviewed Meera Nair many times, but I spent like an hour, 2 hours with her. सारा उनका जो करियर ग्राफ था नेमसेक तक, और मेन फोकस नेमसेक पे ही था. वो आर्टिकल छपा मेरे ख्याल से एंड सितंबर में, अर्ली अक्टूबर में, डेट तो याद नहीं है. और मैं उन दिनों फुल टाइम नौकरी करता था, तो मैं अपने घर से निकल रहा था, तो जो सबवे स्टेशन था मेरे घर से बिल्कुल मतलब 3-4 मिनट की वॉक थी, सामने था. तो सडनली मेरा फोन बजा. उन दिनों में वो फ्लिप फोन होते थे मेरे पास, 2006 स्मार्टफोन बाद में आए हैं, पर उसमें इंडिया का नंबर आ गया +91. तो मैंने कहा इंडिया से कॉल आ रहा तो इम्पोर्टेंट होगा, ले लेते हैं, कुछ पता नहीं मेरे पेरेंट्स के यहाँ से कोई कर रहा हो क्या. तो फोन पे बंदे ने कहा कि हेलो, कैन आई स्पीक टू असीम चोपड़ा? आई सेड हाँ. आई सेड सर, मैं इरफान खान बोल रहा हूँ. मैं बता नहीं सकता आपको, यू नो, एक तो खैर, यू नो, जर्नलिस्ट होकर यू नो इतने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है. Phir bhi one is also starstruck sometimes. And Irfan was one of the people that one was, you know, I'll be honest with you, really. I mean, you know, I was in complete awe. I mean, you know, he's the Shah Rukh Khan of independent cinema, you know. And he was calling me. Mera number kaise mila? Ye to maine khair poocha nahi unse. He said, maine namesake dekhi nahi hai. Aapko kaisi lagi? I said, sir, aapne to rula diya mujhe. Itni achhi film hai, itni achhi film hai. It was a very special moment, really. You know, Slumdog Millionaire was a big for Irfan, as well as for its at least two other actors. Dev Patel ka to bahut hi bada career ho gaya. Peter Frida Pinto was also doing very well.
Slumdog Millionaire did great for these three actors, and Anil Kapoor to some extent. Anil Kapoor got a few projects in Hollywood. क्योंकि इसके बाद Slumdog Millionaire का इतना सक्सेस हुआ, उसके बाद फिर इरफान को एक मैनेजर मिला, उसको एजेंट मिला हॉलीवुड में. यू नो यू नीड दैट इन हॉलीवुड, एस्पेशली व्हेन यू आर नॉट देयर, बट यू नीड इट आल्सो बिकॉज हमारे इंडिया में क्या होता है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अभी भी फोन उठाते हैं और किसी एक्टर को फोन कर लेंगे. वहां वो नहीं होता है. यू हैव टू गो थ्रू द एक्टर्स एजेंट, यू हैव टू सेंड द स्क्रिप्ट टू द एजेंट बिकॉज एंड द एजेंट्स आर वेरी एंड द एजेंट्स गो लुकिंग फॉर योर स्क्रिप्ट फॉर यू ऑल्सो. तो एक उनको मैनेजर मिला जय खन्ना, हु एक्चुअली मेनी इयर्स अगो वाज आल्सो हैड बीन अ मैनेजर फॉर ऋतिक रोशन. ओके, ऋतिक रोशन ने जो काइट्स बनाई थी उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था वहां पे काम करने के लिए. ऋतिक रोशन को जो प्रोजेक्ट्स आए थे, ही डिडंट पे अटेंशन टू देम, ही वांटेड टू स्टे ऑन इन इंडिया. सो इट वाज थ्रू ऋतिक रोशन's कनेक्शन एंड राकेश रोशन's कनेक्शन दैट इरफान वाज कनेक्टेड विद जय खन्ना. जय खन्ना प्रॉब्ली आस्क्ड देम फॉर इरफान's कनेक्शन कॉन्टैक्ट. उसके बाद जो उसको स्क्रिप्ट आई हैं, आई मीन यू नो इट इज पीपल डाई टू एक्ट इन अ फिल्म लाइक स्पाइडरमैन. You know, they'll give anything to be in a Jurassic Park kind of thing. I mean, Jurassic Park, Jurassic World is the seventh highest grossing film in the world. I mean, that makes Irfan the biggest box office star India ke hisab se dekha jaye to, because that film made over $1 billion. So, bahut bade projects aane lag pade Irfan ke. Aur Spider-Man mein to uska role kaat diya tha. We are not sure kyun kaata. जुरासिक वर्ल्ड में काफी बड़ा रोल है उसका उनका. और व्हाट इज इंटरेस्टिंग वाज के यू नो जुरासिक वर्ल्ड का जो रोल है, उसके बाद यू नो एक दो और रोल आए उनमें. इरफान खान को देयर इज नो रेफरेंस टू हिम बीइंग इंडियन ऑफ इंडियन ओरिजिन. नाम भी वेस्टर्न, एंग्लो सैक्सन वेस्टर्न नेम है. कपड़े वगैरह भी वेरी शाइनी शानदार कपड़े पहनते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ही लुक्स इंडियन ऑफ कोर्स. और एक्सेंट तो इंडियन था ही उनका. Because by that time, what was happening was that Hollywood was also realizing that some of these franchises were doing much better business, box office business, outside of the US. जैसे वो आपको याद है Michael Jackson बिचारा जो वो गुजर गया. Michael Jackson's career reached a stage where nobody in America would go to his concerts, but when he would go to Japan and when he go to Korea and when he go around the world, his concerts were packed. So many of these stars, अबे Sylvester Stallone को कोई नहीं देखता अमेरिका में, अब बहुत कम देखते हैं. Outside America, people consider him to be like a humongous star still. So that's not necessarily a fine comparison with Irfan, but Hollywood studios are realizing that if their films have to do make a lot of money, तो उसमें एक Asian होना चाहिए, एक South Asian होना चाहिए, casting variation. हाँ, एक African, एक जाली, एक French डाल दीजिए, the film will do far better. And Irfan sort of lucked out in that regard because he got three at least films: Jurassic World, Spider-Man. And also the Inferno jo thi, jo Da Vinci Code ki sequel thi. Yes. So those he was cast because he was a big major actor. Big Ron Howard ne banayi thi Inferno. He's acting opposite Tom Hanks. But he was also being cast because of the fact that he was a very well known actor in India, and there was hope that therefore the film will do very well in India. Aur aapko to maloom hi hai ye Jurassic World jaisi film hai aur Spider-Man hai, India mein release hoke to कितनी ढेर सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तेलुगु, तमिल, मलयालम में, भी एवरी लैंग्वेज इनको डब करते हैं फिल्मों को, एंड दे डू वेरी वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया. बट इसके अलावा भी इरफान वाज कास्ट इन सम फिल्म्स बिकॉज़ ऑफ हिज प्योर एक्टिंग टैलेंट. अब जब लाइफ ऑफ पाई बनी है, सो एंगली वर्किंग विद, बिकॉज ऑल द एक्टर्स आर कैरेक्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, working with casting agents in India also, was looking for some of the finest actors in India. So, abhi Tabu ko aur Adil Hussain ko main role diya Pai ke parents ka. Aur Suraj Sharma was a new actor, jo main character Suraj Sharma hi hai. Kaafi auditions ke baad ek actor mila. But jo older Pai ka jo character hai, jo Irfan ko diya, that was given to him specifically because that's a very important role. Because ek to wo voice over shuru se deta hai, और एंड में दिखाते हैं, इन बिटवीन भी दिखाते हैं, यू नो द ओल्डर पाई व्हिच इज इरफान, हु इज नाउ लिविंग इन मॉन्ट्रियल, ही इज गिविंग एन इंटरव्यू टू अ राइटर हु इज सपोज्ड टू बी द राइटर ऑफ द बुक, एंड ही इज टाइंग अप द लूज एंड्स
about the whole story, that the real tragedy in life is that, you know, the tiger just left without saying goodbye to him. It's a heartbreaking moment. And Ang Lee told me he didn't ask Irfan to cry. Irfan just started to cry. And also the way Life of Pi was shot, उन्होंने ताइवान में जाके वो ये सारे जो सी के सीन्स हैं, वो ताइवान में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, पुराना एयरपोर्ट, अबैंडन एयरपोर्ट था, वहां पे दे बिल्ट अ ह्यूज लाइक अ लेक काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी द सी, एंड इट वाज अ बोट व्हिच वाज बीइंग रॉक्ड एंड इट वाज सूरज शर्मा, और वो बाद में उन्होंने सीजीआई करके वो टाइगर बनाया. So, एक तो सूरज शर्मा का भी कमाल है कि he was acting on his own, imagining he is seeing the tiger. And then Ang Lee told me that he came when they shot the scenes with Irfan, he gave Irfan the sense of what those scenes will be like, वो जो सारी जो journey, सी की journey है. And Ang Lee said, I was also imagining because I also did not know कि वो tiger कैसे लगेगा eventually जब हम CGI करेंगे. तो मैं अपनी imagination से Irfan को वो बता रहा था. ये सब इंफॉर्मेशन लेकर इरफान ने कैसा वो किरदार किया, कैसा ब्यूटिफुली किया. तो वही मैं पहले कह रहा था कि यू नो हिज एक्सेंट इशू था, इंग्लिश का एक्सेंट का. एंड यू नो नसीरुद्दीन शाह ने तो कम्प्लीटली सेट के उसको अंग्रेजी नहीं आती है, पर लेकिन यू हैव टू ओवरलुक दैट द फैक्ट दैट ही कुडंट स्पीक इंग्लिश सो वेल, बट परफॉर्मेंस कितनी कमाल की थी. So, you know, so that was a remarkable thing. But Irfan, you know, even though he did some big franchises, he also ended up doing some really special Hollywood films. Lunchbox, which was not exactly a Hollywood film, it was shot in India, Indian director, but uske producers wagera, a lot of the production came from outside India, you know, the producers especially. और उसके बाद इरफान ने जो कुछ कुछ काम किया है, यू नो हिज मोस्ट स्पेशल फिल्म, वन ऑफ हिज मोस्ट स्पेशल फिल्म इज अ स्मॉल इंडी फिल्म व्हिच केम आउट एक्चुअली इन 2018 ओनली, इरफान कुडंट इवन प्रमोट इट, इट्स कॉल्ड द पजल. द पजल बाय द वे नेवर केम टू इंडिया, बट इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई थिंक यू कैन वॉच इट फॉर लाइक 100-200 रुपीज और समथिंग लाइक दैट. और उसमें भी इरफान का जो कैरेक्टर है, एक तो ऑल्दो इट्स द मेन कैरेक्टर, देयर इज अ वुमन एंड अ मैन, बट द वुमन इज एक्चुअली द मेन character, he supports her basically, although it's a substantial role, and he's given a western name in it. I can't remember what the name is. He's given a western name, and I spoke to the director of the film, and he said to me, he said that they had not, when the script was written, they had not thought of it being of any ethnicity. I mean, the name was western and it could have been anybody, but the producer said, because there's a scene in the which this woman goes and she's looking for a puzzle partner and she gets a call from a man. Usse ghar jati hai aur ghanti bajati hai. So producer ne kaha ke how amazing it would be ke darwaza khulega aur Irfan Khan wahan khada hoga. So by which time, this is 2018 mein film release, 2017 mein shooting hogi, by which time they knew of who Irfan Khan was in a very big way. I mean, it's like there have been other European actors, like Penelope Cruz jaisi actress hai, Antonio Banderas actor hai, Javier Bardem hai, they've acted in Hollywood films and you know Hollywood knows them. Usi tarah se big star. Ha, to hamara Irfan bhi bahut bada star tha. Aisi baat nahi hai. If he had lived longer, he would have, you know, by which in a couple of years would have gotten an Oscar nomination also, would have won, because they were all these people all end up doing very fantastic specialized roles, which is what Irfan was capable of doing really. As you say, author backed role. And then adding your own layers to that interpretation. Then, as we have already discussed and mentioned, एक अभी बहुत घिस चुका टर्म है, लेकिन 2.0 एक नया इरफान सामने आता है, who is, I'll say, more sure of himself. So he does not have to worry about the length. है ना? तो वो ऐसे रोल भी कर रहे हैं पीकू, जो पता है कि प्राइमरली अमिताभ बच्चन और दीपिका की फिल्म है, लेकिन उनको पता है कि राणा के रोल में मेरे को कैसे मैनेज करना है, या करीब करीब सिंगर का जो रोल है और जिसमें कॉमिक शेड्स और जो एक हंगर है कि अब वेरिएशन चाहिए, वो जर्नी कैसे देखते हैं आप? सो कॉमेडी खैर इरफान ने थोड़ी सी पहले करी थी, मुझे वन ऑफ माय फेवरेट वन इज लाइफ इन अ मेट्रो. इरफान इज हिलेरियस इन दैट रोल, उस पे बहुत सारे और भी एक्टर थे, काफी सारी पैरेलल स्टोरीज है, और भी कुछ कॉमेडीज करी होंगी उन्होंने करी है. I think it was interesting. He was reaching a stage in his life
एक तो खैर, he had started producing films with Vishnu Thapa and Shailaja Kejriwal, this friend of theirs. उन्होंने पहले मदारी बनाई, which did not do very well. Then करीब single. I'm sorry. Then करीब करीब single. हाँ, वो थोड़ी बाद में आई. But I think when Irfan took Piku, I am sure behind his mind, you know, besides acting with Amitabh Bachchan, besides being able to act with somebody of Deepika Padukone's caliber, it was Irfan had done some romantic roles. ऐसा नहीं है, you know, namesake को there were some very romantic moments. Maqbool में तो बहुत है, but the romance in Road to Ladakh में भी है कुछ. हाँ, Road to Ladakh में भी है, but the romance in Piku is of a very different kind of a role. It has a very Farooq Sheikh quality of that romance, because Irfan is a very common man. You know, Rana is somebody we all recognize, we all know Rana's. Amitabh Bachchan ka character thoda overdone hai usme, although it is charming. Deepika Padukone also we recognize, but Rana is the one we recognize totally because we know people like that. He's frustrated. Uski maa usko pagal karti hai, uski behan usko pagal karti hai. He's frustrated with his job. And he's still a happy-go-lucky, chal raha hai, and wo phas jata hai beti aur baap ke beech mein, aur journey pe jata hai, aur uske chehre pe baar baar Irfan ke chehre pe ye hota hai ki main ye kahan phas gaya hu. And every time he looks at Deepika, she says to him one time also, why are you looking at me? Yes. But Piku is such a special film. To me, really, Piku is my go-to. Jab, you know, if I want to be happy, main 5-6 baar dekh chuka hu, it makes me so happy. It has such lovely moments in it. There's a scene towards the end, jab Irfan and Deepika ek din thoda Kolkata ki you know, they were checking out the city and ghat pe baithe hote hain, ghat pe khade hote hain, aur I think kathi roll kuch kha rahe hote hain, and they start to talk about the father, and she says something very intelligent. She says, when parents grow older, they become your children, and you have to take care of your children. And you know, so I'll have to, wherever I go, this, my father will always be. Of course, her father passes away after a few scenes. And she says that, you know, I have to be with him. And then she looks at him and she says, "Karoge mere saath shaadi?" And he says, "Matha kharab nahi hai mera." Aur us thoda uske baad jab Irfan is about to leave, and they keep saying ruk ja, and then suddenly unka wo water pump kharab ho jata hai, and they are all arguing away, and Irfan is, that's a great moment. Maine bar bar wo scene ko dekha, Irfan ko dekha, because Irfan the actor knew that at some moment he has to scream over above all of this chattering that's going on, and scream are chup. लेकिन वो कहीं चेहरे पे कुछ नहीं नजर आता, उसकी आंखों से कुछ नहीं नजर आता कि उसके दिमाग में अगला मोमेंट कैसे आने वाला है. और सब डर जाते हैं जब वो चिल्लाता है अरे चुप, और फिर उनका वाटर पंप वो फिक्स करे, फिर वो जाता है वापस. असीम ने इसलिए भी बहुत कनेक्ट किया होगा क्योंकि मुझे लगता है कि दो फिल्मों के साथ आपने पर्सनल लेवल पे बहुत कनेक्ट किया है. किताब पढ़ के जो समझ में आया, एक द नेम से और दूसरी पीकू, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मदर एंड नेमसेक, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सिटी इन न्यू यॉर्क फॉर 3 decades, एंड दैट कल्चरल. सो नेमसेक इज इवन बिफोर मीरा नायर मेड द फिल्म, नेमसेक द बुक रियली रियली टच मी, बिकॉज आई हैड बीन एन इमिग्रेंट इन अमेरिका फॉर ओवर 30 years. वेल, नेमसेक केम आउट दैट टाइम, इट वाज प्रोबब्ली 20 years और 25 years, व्हाटएवर. You know, the honesty with the Jhumpa Lahiri writes a story about this young immigrant couple. And, you know, mera jo immigration tha, that was a little different than these people. You know, maybe I had been exposed to a little bit of West in India before I went to New York also. So if I look at myself, I was not like Ashima and Ashok Ganguly. Mera bhi beta America mein paida hua tha. He's 29 now. But my son never shocked me as much as these people are always shocked with goal kya kya kar raha hai. So, theek hai, there are a lot of immigrants like that. You know, they just don't understand American culture to such an extent, and their kids are totally American. And how do you then reach out to your children? And that beautiful, the two amazing scenes with Irfan and Namesake. Ek to jab wo apne bete ko gift dene jata kitab ke, and the son is singing, there's some hard heavy metal music going on. उसने ड्रग्स वगैरह ली हुई है, एंड वो बाप आता है, एंड ही इज लाइक, ओ या बाबा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. इरफान
to his character Ashok, that book means so much. And he wants to tell his son why that book is so much. Uski life bach gayi thi because he was holding on to the book and somebody realized he's still alive, isko utha lo wahan se, after the train accident at the beginning of the story. And he's not able to speak to his child. And, you know, I've been through many of that. As a parent, many parents go through that. When the children become teenagers, you just cannot, the communication mein badi problem ho jati hai. And it hurts the parent. I'm losing my child and how do I speak to my child? And Irfan shows that all on his face. And then slightly later on, when the last scene between Irfan and Gogol's character, वो लोग कार में होते हैं, they've gone to buy ice cream and Gogol has brought his girlfriend. So the girlfriend is sitting, Maxine is sitting with the mother Ashima at home, and father and son go out to get ice cream. And the father finally tells this the accident story. Now Meera Nair told me a very interesting thing, which is there in the book also, because Meera Nair ne wo scene shoot ho gaya. But she said that Irfan and I, they had known each other for so long by then, that Irfan could read my mind. So Irfan ने मीरा नायर को कहा, एक दो शॉट हो गए थे, इरफान ने मीरा नायर को कहा कुछ चाहिए और तू खुश नहीं है. सो शी सेड कि हाँ, मुझे एक ऐसा मोमेंट दो कि आंखों में आंसू हो पर नीचे टपकने नहीं चाहिए. इफ यू सी दैट शॉट, आई मीन यू नो नेमसेक इज नो मोर स्ट्रीमिंग इन इंडिया, आई हैड अगेन आई हैव अ डीवीडी सो आई हैड वॉच्ड इट. इफ यू सी दैट मोमेंट. And Irfan's character, you know, he's in the driver's seat, driving, and he's turned towards Gogol, Kalpen, and he's talking. And his eyes start to glisten. Irfan was able to bring tears in his eyes, but control them to the extent that the tears don't go down his cheek. I mean, how does a man do that? Itna kamal ka actor tha. Itna kamal ka actor tha. Wo training bahut kamal ki hai, actually. No, but you know, I'll tell you one thing. I don't think नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इतनी ट्रेनिंग देते कि आंसू लाओ पर टपकने नहीं चाहिए. वो इरफान की खासियत थी. वो आई डोंट थिंक एवरी एक्टर हैज दैट. नेमसेक और उन सबके बीच एक फिल्म आती है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है बहुत ज्यादा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, पान सिंह तोमर. हाँ, वो मतलब मैं कल रिवाइज कर रहा था उसको, तो उसमें एक सीन है और वो पता नहीं, मतलब हो सकता है कि मैं अपने इमेजिनेशन अपने फितूर को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, पर लगता है कि वो किरदार बहुत सारे लोगों से कह रहा है, कैमरे के उस पार, पर्दे के उस पार, कि मेरा अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी बात बाकी है. नो, जब वो अपने भैरव सिंह, जो उसका भंवर सिंह, जो उसका कजन है, जो ट्रबल करता है उसको फाइनली, और वो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो चौकी में जा रहा है, फोन पे गुस्सा हो रहा है, डेस्परेशन भी है कई जगह की, जाओ बेटा लेमन जूस लेके आओ, हनुमंता, कमाल की बात. और वो फिल्म कितनी मुश्किलों से बनी. हाँ, वो तो मुश्किलों से बनी, तो दैट्स अ मोस्ट स्पेशल थिंग. आई मीन उनकी पूरी बजट काटनी पड़ी उनको, बिकॉज रिसेशन आ गया था 2008 में जब वो फिल्म बननी शुरू हुई सबके. और इरफान भाई विच टाइम वाज अ बिग स्टार, उसकी सैलरी, उसने भी सैलरी कट ली, और फिर भी उन्होंने काफी कमाल किया. यू नो, विद सीजीआई दे वर एबल टू रिक्रिएट व्हाट लुक लाइक अ स्टेडियम इन जापान. आप देखेंगे फिल्म को तो आपने देखा होगा, थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है. यू कैन टेल इट्स नॉट अ रियल स्टेडियम बिकॉज दे कुडंट अफोर्ड टू गो टू जापान एनीमोर, एंड येट इट लुक्स रियली रिमार्केबल. बट दैट फिल्म, यू नो, वी व्हाई डू वी कनेक्ट टू दैट फिल्म, बिकॉज उस आदमी की जो फ्रस्ट्रेशन है, यू नो, ही सेड कि मैं, यू नो, मैंने, मेरे पास मेडल है, मैंने इंडिया के लिए, यू नो, इतने मेडल जीते हैं, ये वो है, इतना मैं फेमस था. उनको सुनते नहीं है पुलिस वाले, बिकॉज उन्होंने पैसे खाए होते हैं उनके कजन से. और डेस्परेशन से जो आदमी जो डिकॉयड बन जाता है, वो फूलन देवी की भी यही स्टोरी है कि डेस्परेशन थी इतनी आफ्टर शी वाज रेप्ड, एंड यू नो, एंड दैट्स अ ट्रू स्टोरी. ये भी ट्रू स्टोरी है, खैर, पर इसमें था कि पान सिंह तोमर में ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे. रिसर्च तो दिग्विजय दुलिया ने काफी करी, बट उनको फिक्शनलाइज भी करना पड़ा. इट वॉज नॉट मच वॉज रिपोर्टेड अबाउट हिम एज सच. एंड इट हैज सच लवली मोमेंट्स इन इट, यू नो, जब वो मुझे आइस विपिन शर्मा के साथ आइसक्रीम का सीन है, और वो आपने वो कहा जब ही वांट्स टू आई गेस गेट इंटीमेटेड विद हिज वाइफ, और बच्चों को भेजता है जाके कुछ लॉलीपॉप वगैरह कुछ खरीद के लाओ, जो कहते हैं ब्यूटीफुल फिल्म. एंड देन इट्स अ पावरफुल एपिक, यू नो, सीक्वेंसेस ऑफ
वो जब यू नो अमेरिकन हॉलीवुड वेस्टर्न जो होती थी यू नो उस तरह के बड़े कमाल के सीन है, ये सोन चिड़िया में भी उसमें उस तरह के बहुत कमाल के चंबल में जो सीन है. सो Pansi Tomar is just fantastic, and to see the fact that Irfan was in his 40s and he's playing a 20-year-old guy, and he did his own steeplechase sequences. You know, Tigmanchu ne kaha ki maine Max said we'll get a body double and do it for you, and he wanted to do himself. Or gir gaya, and he tore his ligament. I write that in the book also. Yes, he tore his ligament, and they were in somewhere in Ranchi, or they were in some small place shooting the scene. And doctor wagara nahi mil rahe the, unko malum usko dard ho rahi thi tang mein, unko malum tha kya ho raha hai isko. And that sequence when he runs right at the beginning, वो late आता है तो उसको he's made to run around. That was with his leg problem. He shot that thing. Then odd director से भी सुना, you know, Anoop Singh ने जो दो फिल्में बनाई हैं, किस्सा में Anoop Singh said there was a moment in the film that I would make these people. And Irfan was standing for the longest time and his back was hurting a lot. He was in real pain. And then later Anoop Singh saw कि कुछ ADs थे. They were carrying Irfan को, उसका इतना बुरा हाल हो गया था, पर उसने बिल्कुल डायरेक्टर को नहीं दिखाया अपने चेहरे से कि मुझे दर्द हो रही है. आप हम लोग रूहदार के कंटेक्स्ट में बैकग्राउंड स्कोर की बात कर रहे थे, वो चीज Pansi Tomar में भी है. मतलब वो दो तीन दफा जब वो ऐसे इशारा करता है लास्ट राउंड के लिए, एंड देन दे बिल्ड दैट म्यूजिक, यू नो कि मतलब वो लास्ट एनकाउंटर में भी ही डज दिस. अपने अंकल को चेस करते टाइम भी वो एक बार ही डज दिस, रेस में दो तीन बार करता है. एंड द वे दे बिल्ड इट, आई मीन वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म ऑफ Tigmanchu एज वेल. इट इज हिज फाइनेस्ट रियली. और आप जब कह रहे हैं, मैंने अब लास्ट टाइम Pansi Tomar दो साल से ज्यादा पहले देखी थी जब मैं किताब लिख रहा था, और मेरा मन कर रहा है आज ही देखने के लिए. एंड यू नो दैट्स अ रीजन व्हाई आई रोट दीज बुक्स आल्सो, इवन द शशि कपूर बुक आल्सो. आई वांटेड पीपल टू गो वॉच दीज फिल्म्स. Because that's the only way we can admire and appreciate these actors. You know, I didn't realize that Irfan will leave us so soon, but that's the only way we can admire. You know, people should see The Namesake. People should see Lunchbox. I'll be honest with you. After reading this book, I mean, it exactly did the way you are saying. It prompted me to watch again and again. So, it was never my plan to watch D-Day again. The way you have explained a couple of scenes, opening scene and वो गुड बाय बोल रहा है अपनी वाइफ को, वो वाले सीन है, तो उसको देख के लगा चल दोबारा से देखते हैं, शायद कुछ नई रीडिंग मिले, है ना. और पांच अभी इनफैक्ट जो मेरी लिस्ट में अगली फिल्म है वो सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन से आपने अनूप सिंह का जिक्र, अब वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है, वो आई थिंक वो कह रहे हैं ओटीटी में रिलीज करेंगे. एज यू सेड जुगाड़. हां जुगाड़ से देख लीजिए. या किस्सा देखी आपने ना? जी हाँ. किस्सा यू नो किस्सा में मुझे टाइम लगा टू लाइक द फिल्म. मैंने पहली बार देखी थी तो आई एम लाइक कुछ there's something odd, the story was very very odd. उसके बाद मैं दो बारी फिर से देखी है, और जो इरफान की जो tragedy है उसमें, I mean he makes his, I won't give away, but he makes his, you know, his daughter go through some real hell. Yes. And his daughter-in-law also. But उसकी जो अपनी और end में, in fact that's a it's called Kissa, a tale of a lonely ghost. Yes. वो जो लोनलीनेस जो है ना, इरफान इतने कमाल की करता है फिल्मों में, यू नो इन लंच बॉक्स आल्सो, इस समय तो बहुत ट्रेजिक है. यू फील सो सॉरी फॉर हिम इवन दो ही इज बीन अ हॉरिबल मैन. ये एक तो ये फिल्म है, दूसरा वो द वे ही कोलैबोरेट्स विद हिज को-एक्टर्स. मतलब आप किस्सा का जिक्र कर रहे हैं, मैं किस्सा प्लस हिंदी मीडियम जो तिलोत्तमा शोम के साथ हिंदी मीडियम में था, तिलोत्तमा शोम के साथ उसका जो परफॉर्मेंस है. एंड तिलोत्तमा टोल्ड मी इट वाज कंप्लीटली इंप्रोवाइज्ड. आई मीन दे वर टोल्ड के कुछ ऐसे करना है उसमें. हिंदी मीडियम में बहुत सारे सीन इंप्रोवाइज थे. दीपक डोबरियाल के साथ वो मुझे मच्छर वाला जो डेंगो का वो भी ऑलमोस्ट इंप्रोवाइज ही था. तो तिलोत्तमा ने कहा इट्स आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग. तो तिलोत्तमा इतनी छोटी सी हाइट में और इरफान इतना लंबा है, एंड येट इन दिस वे, इन दिस रियली कर्ट कोल्ड वे शी सेज calm down, you know, उसको कहती है, जैसे इरफान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस फिल्म में. And they just, they just go back and forth, it's one of the funniest film, scenes in the film. It is brilliant. So, we have talked about his comic performances, Hollywood and everything. आखिरी में जब वो प्रोड्यूसर का रोल अपनाते हैं तब भी उनके अंदर की वो आग दिखती है कि यार जो चीजें चल रही हैं, जैसे इनफैक्ट इन सारे नामों को जिस
एक अनकॉल्ड मूवमेंट के साथ जोड़ा जाता है कि 70s 80s में एनएफडीसी के तत्वाधान में कुछ फिल्में बन रही थी जिसका एक सफर एक डॉक्टर की मौत तक आते आते थम जाता है ना, मतलब उसको उस सिलसिले की आखिरी फिल्म की तरह कहा जा सकता है मोटा माटी पैरेलल सिनेमा का। हाँ। जी, और उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं, उसको पैरेलल सिनेमा का नाम नहीं दिया जाता। टिश्यू जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, वंस इन अ वाइल, अनुराग कश्यप बना रहे हैं, दिवाकर बना रहे हैं, विशाल भारद्वाज विशाल बना रहे हैं, तो वो फिल्में हैं। और फिर वो भी ऐसा लगता है कि इस सेंचुरी में जिस डिकेड में हम हैं आके उसका भी एक फॉर्मूला सा बनने लगता है। एंड देन एकदम से जो कारवां और करीब करीब सिंगल दो फिल्में मैं देखता हूं तो वो मेरी जो हिंदी फिल्मों को देखने की एस्टैब्लिश सेंसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा और वाइडन करती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? No, no, I think it's really interesting. I mean, our cinema has gone through many, many such stages. Mm-hmm. And sometimes, you know, 60s, 70s, mein, you know, NFDC tha, usse pehle Film Finance Corporation thi, that was what was churning these films. Government ke paise aa rahe the, and then there were young filmmakers, you know, Syed Mirza wagara, jo the, Mrinal Sen ne bhi banayi Bhuvan Shom. Different जर्नीज थी फिल्मों की। 90s में थोड़ा बंद हो गया था, पर अब जो थ्रू द 2000s, आई मीन आई गेस एक सेंस कह दिया, अनुराग कश्यप का जो एंट्री है, यू नो, सत्या जो बनी है, उसके बाद जो फिल्में बनी है, वेरी क्लोज टू रियलिटी इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन सिनेरियो। आई मीन, यू नो, इवन व्हेन यू लुक एट मकबूल, इट हैज ग्लैमराइज्ड मोमेंट्स इन इट, मकबूल ऑल्सो हैज सम सॉन्ग्स इन इट, बट इट इज, you can still really believe those characters. I mean, Hasil in a very smaller manner. So, ab us tarah ki filmein bane, we still call them indie, although for the longest time, UT was a studio that was funding them. Dibakar got funded from Yash Raj also. Usi tarah se, abhi Irfan ka dekhiye toh, you know, I mean, I don't know who put in the money for Madari and who actually put in the money for Kareeb Kareeb Zimna, which not came out of Irfan's own pocket, I'm sure. But as a producer, he, and especially his wife, Shutapa, they tried to do something very different than what had been done. I mean, I don't think they succeeded, because the Kareeb Kareeb single is has got some really funny moments in it. It's really interesting, but still it's not, it doesn't reach the Piku standards. Yes. Or Bluff Mart's Blackmail, jo hai, Blackmail jo film hai. Wo bahut bakwas thi. Haan, bakwas to thi, par it's got some really crazy funny moments in it. I mean, I think Divya Dutta is hilarious in it. Yes. Usko maar ke usko, he puts his wife into the fridge. But it did not work 100%. Karwa also, I think, I feel that it doesn't work to 100% work. But that was a new path Irfan was taking. Again and again, uska Irfan ki quality ye thi, bore ho jata tha. सेम स्टफ कर करके बोल रहा था, तभी कुछ और करना है। इनफैक्ट मेनी पीपल, यू नो, शैलजा केजरीवाल सेड टू बी, शी सेड, वो तो हमेशा कहता था अभी कुछ और बनाते हैं, अभी कुछ और बनाते हैं, अच्छा कुछ और बताओ, कोई और स्टोरी बताओ, कोई और। ही वाज रियली ऑलवेज ईगर एंड हंगर। आई मीन, आई राइट इन माय इन द बुक अबाउट दिस वीडियो ही डिड विद AIB. कोई जरूरत नहीं थी इरफान खान को वो वीडियो करने की। ओके, ही डिडंट इवन टेक एनी मनी अपेरेंटली। ही गेव 3 ऑफ हिज डेज, रिहर्सल भी करी शूट के लिए भी। Why did he do it? And there'll be many actors who'll say, "Arey, this might affect my career." People will say, "Ye kya bakwas kar raha hai? Main to bada serious actor hoon all." Wo bhi Irfan ko darr nahi tha. He had so much confidence in his life, in his career. He wanted to experiment and do something new. He wanted to work with these young people. In fact, when I spoke to Irfan on the phone when he was in London, he said, "AIB walon se baat karo. Wo mere baare mein kya sochte hain?" Uske baad finally, I did Tanmay Bhatt ko maine interview kiya. Also, Vasan Bala, who directed that another Bollywood party song. Peddler. So, if you watch that thing, everybody should watch it. It's on YouTube, that video. It's hilarious. In fact, the video, so se pehle to ek interview sequence ho raha hai. Jab Irfan se keh rahe hain ki hum aapko ye role denge, ya main kuch bhi kar sakta hun, kuch kar sakta hun. He wanted to play with new things and new ideas. And he loved the fact that these young AIB, you know, comedians, writers had a fresh approach to looking at cinema and art and music.
you said that Zen-like approach, and probably that summarizes this journey of Irfan. हमने वो विपिन शर्मा की ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया, फिर वो अंशुल चतुर्वेदी के साथ एक जो लंदन से इंटरव्यू हुआ है लॉन्ग फॉर्म, दैट नाउ आई हैव सरेंडर्ड, मतलब के सेरा सेरा वाली चीज. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू इज नॉट अबाउट एक्टर इरफान. आई जस्ट वॉन्ट टू नो आउट ऑफ माई ओन ग्रीड और लव, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, कैसे साउंड कर रहे थे वो अपने दिनों में, जो हमें नहीं पता था कि अब उनके आखिरी कुछ महीने हैं. या यू नो इट्स रोना आ जाएगा ये बात करते करते. कुछ नहीं हमें पता था क्या, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि इरफान इज नॉट डूइंग वेरी वेल. यू नो लेट 2019 में फ्यू पीपल सेड टू मी, एंड देन आई वाज टोल्ड के ये अंग्रेजी मीडियम का भी जो ऑडिशनिंग करी है, डबिंग जो करी है ADR, वो इरफान ने अपने घर में बैठ के बेड में करी थी. ही जस्ट वाज नॉट, डिडंट हैव द energy to go out and everything else. But I, you know, kept hoping he'll get okay because he had done one film. Aise ye bhi pata tha ki wo, he had gone to London again in the summer of 2019 and he had had some other surgery also. He was seen by a paparazzi being rolled out in a wheelchair out of the Mumbai airport. But itni jaldi chala gaya, but you know, it was just, I didn't expect it to happen. I mean, main to pooch bhi nahi saka ki aapko kitab आपने पढ़ी, आपको कैसी लगी, देखी भी कि नहीं देखी. मैंने उनसे वरुण गौतम से बात करी थी कि मैं किताब भेजूंगा साइन करके, प्लीज इरफान को देना. और हुआ क्या कि जनवरी में किताब रिलीज हुई, आई वाज बिजी प्रमोटिंग द बुक एक्सेट्रा. उसको फरवरी में आई हैड अ बैक सर्जरी, सो आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट, एंड देन इमीडिएटली व्हेन आई केम आउट ऑफ द बैक सर्जरी एंड आई वाज रिकूपरेटिंग, लॉकडाउन हो गया तो हम घर में सब फंसे रहे. मैंने सोचा था भेजूंगा किताब, भेजूंगा किताब. आई मीन आई नो ही ऑब्वियसली मस्ट हैव नोन, यू नो आई नो शुतापा वुड हैव नोन, एंड अनूप सिंह हैज, आई मीन शुतापा इज माय फेसबुक फ्रेंड, बट आई नेवर आस्क्ड हैव यू रेड द बुक. वो थोड़ा यू नो अपनी सेल्फिशनेस नहीं मैं दिखाना चाहता था. अनूप सिंह को बहुत पसंद आई, अनूप सिंह ने फेसबुक पर भी लिखा किताब के बारे में, और फिर ही टैग्ड शुतापा ऑल्सो. सो यू नो I did not know him very well. I think I know him very well. एक तो मैंने डेढ़ दो साल लगाए उन पर किताब लिखने में, रिसर्च करो तो you feel that you get to know people very well. And you know, when we see movies, we think we become best friends with these actors because we get to know them through the films. But जो मैंने उनके फ्रेंड्स से बातें करी, I was very, I mean, I feel blessed that whether it's Bipin or whether it's Meeta Vishesht or many, many people who have known him for so long, or Varun and aur bhi itne sare, you know, Meera Nair wagaira, I feel so blessed that I was able to have them tell me things about Irfan that I learned the man through them and those words. Aapne kitab mein ek jagah wo jo Bangladeshi film hai uska zikr kiya hai. That's a very interesting film. Yes, and उसमें एक जगह वो मैंने मार्क कर दी है, मतलब प्रॉब्ली दिस इज समथिंग आई वांटेड टू से टू हिम, व्हाट ही सेज टू हिज क्रू मेंबर्स, कि नहीं नहीं ये नो बॉल है, एंड ही गेट्स आउट, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. दिस इज व्हाट आई वुड हैव सेड टू हिम, आई मीन पोस्ट डेथ द वे ही सेज टू हिज दद्दा कि मैं ऊपर आके भी हिसाब लूंगा, कि बॉस वो तो नो बॉल थी. आई मीन या जो वो लाइफ ऑफ पाई में बोलते हैं कि दैट्स द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट, कि यू डोंट से गुड बाय, यू डोंट गेट टू से गुड बाय. मेरे पास व्हाट्सएप में, आई एम पॉइंटिंग बिकॉज़ माय फोन इज लाइक हियर, इरफान एंड आई कम्युनिकेटेड ऑन व्हाट्सएप अ फ्यू टाइम्स आफ्टर आई स्पोक टू हिम. यू नो देयर वर सम अदर क्वेश्चंस आई हैड, ही रिस्पोंडेड. आई वांटेड हिम टू टॉक टू सम डायरेक्टर, सम पीपल, ही सेड ही विल. So, लिख रहा था तो मैंने पूछ लिया, how are you doing, sir? And he sent me a message. He said, I don't think about it. He said, I, you know,
something to the effect, I don't remember the exact words, you know, whatever comes, I'll accept it or something like that. So maine kafi baar hi padha hai wo message unka. Aur WhatsApp mein, you know, messages bas bach jate hain, reh jate hain wahan pe. And it just touches you, you know. And I wrote back saying, we're all praying for you or something like that, you know. And then I think he did some thank you emoji he sent me. Yeah, you know, it's he was gone so soon. And I feel, you know, I kahan mereko dimag mein aaya ki Irfan pe kitab likhun. And I start to write when he's ill, and I keep hoping he'll get better. I'll keep hoping he'll get better. Are kitne log cancer se bach ke aa jaate hain, you know. I wanted to sit with him, I wanted to talk to him about this book, I wanted to show him the book, I wanted to talk to him about so many things, etc. I wanted to see so many more films that he could have done. Yes, that's the part. Because that hunger of reinventing, and ki main bore ho jata hu to kuch naya. Anyways, ek sawal aur, though I had said ki that's my last question. How do you undo yourself? Like, you have written the book, you were surrounded with the character, with the subject, with the research, ek final draft likha, a promotion hua, the wo get over wala process kaisa hota hai Aseem? So depend karta hai from book to book. Shashi Kapoor ki jo book thi, that came out in the summer of May 2016. And through 2016, you know, I was in New York. I came back to America, to India. Then I went back. Kafi promotion ho rahe the yahan pe Shashi Kapoor ka, especially TV wagera pe interview hue. Mere people were interviewing me. Otherwise, also reviews. Then it starts to slow down. Then some Litfest invites you, literature festival. Wahan pe you talk about it. And then, you know, by the end of 2016, early 2017, you know, people had sort of moved on. You know, I could see on Amazon, nobody was buying my book really. I don't think you remember, but that is for the first time I had met you. It was in Kumayu, that Lit Fest. वहाँ पे भी मिले थे हम. Yes, terrible. I had done a text interview. अच्छा. That time Lalanta was a very nascent. Yeah, and we hardly. Sorry, मेरे मैं बुढ़ापा आ गया क्या भूल जाता हूँ. You know, I know you also. No, that's totally fine. We were just minions. Yeah, you also wrote to me about the Priyanka book also. But I was telling you about Shashi Kapoor. क्या हुआ कि मैं December 2017 में मकाओ गया हुआ था, you know, that former Portuguese colony, the island yes. of China. Because I was working, I was the India consultant for the Macau Film Festival that year. I got some Indian films in. So we were there, and you know, Rediff.com, जिनके लिए मैं बहुत बारी लिखता हूँ, उन्होंने मुझे काफी महीने पहले कहा था कि इसकी Shashi Kapoor की एक orbit लिखो, सब write a column about Shashi Kapoor. पता नहीं कब गुजर जाएगा. एंड आई वाज लाइक वेरी रिलक्टेंट टू डू इट. फिर मैंने कुछ लिख लिया था. आई वाज हैविंग अ ग्रुप डिनर विद माय कॉलीग्स. इट वाज 7 o'clock, 8 o'clock एट नाइट. वी वर हैविंग अ चाइनीज मील. एंड आई गॉट माय फर्स्ट मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माय एडिटर्स एट रीडिफ सेइंग, बिकॉज इंडिया में उस वक्त इंडिया इज व्हाट आई डोंट नो 3-4 आवर्स अहेड ऑफ मकाओ. शशि हैड पास्ड अवे. एंड they wanted that column, but more than anything else, I had to you know, bade messages aa rahe the, and I wanted to separate. So I actually excused myself and left the dinner in the middle. I went back to my hotel room, aur us sari raat, you know, I'm not bragging, because I'm the only person who wrote a book on Shashi Kapoor, and I was the only person who wrote a book on Irfan Khan also. So, you know, BBC, CNN in America, CBC, radio stations, everybody wants to interview me now, because I've suddenly overnight become an expert on Shashi Kapoor. And when you say, how do you you know, unwind, because I had pulled out myself from the book. I was already working on the Priyanka book by that time. And suddenly this whole, the Shashi Kapoor, and it was a 24-hour period. I barely slept, messages after messages. I had to write a couple of columns also. Next day around lunchtime, lunch kha ke main apne hotel room mein aaya, to I began to read a particular chapter from my book, a Shashi Kapoor book, and I started crying. I had not had a moment to mourn Shashi Kapoor's death until that brief moment jab logon ne mujhe phone karne band kar diye the. Irfan ke saath bhi aise hi hua, because when he was 28th ko mujhe message aaya ki he's going to be in the hospital.
and I was told Mint ne kaha ke kuch likh lo, be prepared. Maine nahi likha. Or suddenly by 12 baje next day, you know, 11, 12 o'clock message aane ko de. And you know, people are, the other part of the whole thing is that mujhe log afsos kar rahe hain. People are sending me condolences messages. Maine kitab likhi, main koi uska rishtedar nahi tha. He wasn't my brother, my father or something like that. Jo the loss that his children must have felt, I can't even begin to imagine. And it was, you know, it happened in the middle of the pandemic that only a few people were allowed to go for his funeral. And you talked about that beautiful script that Vishal Bhardwaj wrote where he describes seeing the dead body, jahan pe bodies ko wash karte hain. Irfan ke saath bhi yehi hua. You know, suddenly, itne calls aate hain. It took me like 24 hours later, I just finally had to weep. Because, you know, when you spend so much time with these people, they become somebody close to you. Shashi Kapoor had no idea who I was. When I wrote about him, he had dementia. You know, his son and daughter knew me. They gave me interviews. But yeah, it's very hard. And with Irfan also, you know, again, the book had sort of subsided because of, you know, in fact, Amazon wagera ka koi sale hi nahi ho rahi thi when the lockdown happened. And suddenly, you know, overnight, I'm seeing people are buying the book. Books in sold in some bookstores are selling the book also. Or you know, abhi dekhiye July ka end aa gaya hai, and I'm still talking about not just the book, but about the man who I started focusing on early March 2018. But Irfan ko nahi main bhoolunga itni jaldi. Shashi Kapoor ka time aa gaya tha. Bahut bimar tha, bura tha. His death was expected, although it was still very, very sad. But Irfan's death is just, you know, the world is so unfair. As you have quoted in from that classic Gone with the Wind, it has no obligation to act as per your. एक quick सा quick सी जानकारी है दर्शकों के लिए कि हम लोग जिस विशाल भारद्वाज के लिखे हुए स्क्रीन प्ले की स्टाइल की ऑब्चुरी की बात कर रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप में से जो भी पढ़ना चाहें लेकिन क्लिक एंड रीड दैट पीस. असीम चावड़ा, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. एंड वी शेयर द फीलिंग, द पैशन, द लव फॉर द मैन एंड हिज वर्क. सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू विल कीप writing such biographies and it will keep enriching hum logo ka jo experience hai, jo nazariya hai filmon ko dekhne ka. Jaise ek anecdote hai jo miss ho gaya baat cheet mein, ki Airlift ki script Irfan ke paas aayi and how much he understands the craft and the ecosystem around the box office. Yeah, he said ki yaar tujhe budget nahi milega mere naam pe. I can't carry the film on my shoulder. Akshay Kumar ko do film and Kamal Khan, yeah, exactly. He would have done the film. He could have done it. It would have flopped, whatever. He would have earned his money. He would have moved on. But he said, "Ye main nahi kar sakta. Kisi bade star ko do." Though he was one of the biggest star we had. Yes. All right, sir. Thank you so much. Thank you. Really. कैसा लगा? Comment box में जरूर बताइए. और किन किताबों के बारे में, authors के बारे में आप जानना चाहते हैं? वो भी recommendation कर सकते हैं. आप में से कई लोग नाराज हो जाते हैं, पर आप समझिए मेरी लिमिटेशन में हफ्ते में 2-3 किताबें ही पढ़ पाता हूं. I read one book every day, but then I have to watch films as well. I want to listen music. I want to read political anecdotes. So, I mean, I'm sorry, but I have my own limitations. तो आप लेकिन रेकमेंड करते रहिए. We'll try कि हम ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें और आप तक ऑथर्स की बात पहुंचाएं. असीम चावड़ा, थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. रियली रियली हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू. थैंक यू.